चरण कमल भ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमदे निम्बार्काचार्य नमो नमः। वर्णानामर्धसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर वंदे बोधवयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दिते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकवीश्वरौ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा पर्ववग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्।
श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुमरे द्वार अहो वृषवानु की लाडली ने कमेरी ओर निहार वर्षा ने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजमन कृशानम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्त वात जातम नमामि सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः श्री रामाय नमः श्री रामाय नमः। उपस्थित सभी भक्त वृंद मातृशक्ति माताएं वो बहन आइए अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें और सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए जो कि पिछले 9 दिन से भगवान श्री राम की ये अद्भुत पवित्र पावन कथा जो हमारे श्रवणों को तो पवित्र कर ही रही थी साथ में जिन्होंने कुछ ग्रहण किया होगा उनका चरित्र भी पवित्र हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन किन का होगा चरित्र पवित्र, समझ रहे हैं ना? जिन्होंने कुछ ग्रहण किया होगा, बहुत आवश्यक है ग्रहण किस किस ने किया है। तो आइए दोनों हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें, उसके बाद आगे बढ़ें। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथिकों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। से संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान से वंचित रहे न को। भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। से हमें बचाइए,
करके दया दया अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धीर दीनता ते मेरे करता हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान 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 दीजिए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें उनके उपरांत परम सदैव श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें स्थान देवता वासुदेवता ग्रामीण देवता नगर देवता इन सबको बार बार प्रणाम भी अपना स्थान ग्रहण करें विद्युत समाज संत समाज ब्राह्मण समाज पधारे हुए भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन और आस्था चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में श्रवण कर रहे हैं उन सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोले अरे कल कोई बुलवाएगा यहाँ पर बैठे रहना अपने घर में बजाते रहना झुंझुना और क्या कौन पूछेगा कल आपको आए हो तो दुनिया में कुछ आए हो तो कुछ कर लो ऐसा जो तुम्हारे साथ जा सके मेरे प्यारे जो संग जा सके यूँ तो बहुत आए दुनिया में आए और चले गए ना आने वालों को पता ना उनको विदा करने वालों को पता कि व्हाट इज अ पर्पस लक्ष्य क्या हो देश क्या है आज समाज बड़ा तनावपूर्ण बना हुआ है उसी के लिए हम सब मिलकर गाएंगे सब प्यार से बोलें प्रभु से प्रार्थना करें हे प्रभु मेरे राम करना तू सबका भला मेरे राम सबका भला मेरे राम करना तू सबका भला जहां में किसी का सबके भले में हो अपनी भलाई यूं ही तेरे दर पे झोली फैलाई
सबके भले में हो अपनी भलाई, यूं ही तेरे दर पे है झोली फैलाई। हमें ये पता है तू, हमें ये पता है तू दयालु बड़ा, सबका भला। किसी की किसी से होवे ना लड़ाई, रहे सब मिलके देखो ये सब भाई भाई। किसी से किसी की ना होवे लड़ाई, रहे मिलके आपस में सब्र और शुकर में, सब्र और शुकर में हो रहे सब मिलजुल करके सुखी ये सदा। मेरे राम करे नाम तू सबका भला, भक्ति के रंग में रंग दे सभी को, जीना सिखा दे मालिक हर आदमी को। भक्ति के रंग में रंग दे सभी को, जीना सिखा दे मालिक हर आदमी को। सारे जहां को है सारे जहां को आसरा तेरा, मेरे राम करना तू सबका भला, मेरे राम करना तू सबका भला। जहां मैं किसी का कभी जा सबका भला, मेरे राम करना तू सबका भला, मेरे राम करना तू सबका भला, मेरे राम करना तू सबका भला, सब राम करना तू सबका भला, सबका भला
सबका भला। तुलसी कृत रामायण कथा बुद्धि अनुसार प्रेम सहित वर्णन करूं आइए पवन कुमार। सियावर राम चंद्र की जय। लाडले लखन लाल की जय। पवन सुध हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व में विश्व में विश्व में ओ शांति ही शांति ही शांति। सभी प्यार से बोलेंगे एक बार, जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। हमारे यहाँ 9 दिन से ये नमः पारायण चल रहा है, भगवान श्री राम की कथा चल रही है, जहां मैं हमेशा कहता हूं भगवान श्री राम अपने चरित्र से सिखाते हैं। उपदेशक बहुत हैं हम जैसे जो वाणी से बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हैं। वाणी के द्वारा सही अगर वो किसी के काम आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी को सुधारने के काम तो आ रहे हैं ना। लेकिन एक वाणी से उपदेश देके सुधारते हैं, दूसरे अपने चरित्र से उदाहरण बन जाते हैं और अपने चरित्र से लोगों को सुधार देते हैं। राम एक ऐसा आदर्श है हमारे, जिन्होंने अपने चरित्र से शिक्षा दी है मानव जाति को। रावण को मारने के लिए राम नहीं आए थे, जो मैं बार बार कथाओं में कहता हूं, अब नहीं कहूंगा। सच यही है कि रावण मानव को मानवता सिखलाने के लिए आए थे। तुम किस लायक हो, तुम क्या कर सकते हो, तुमको पूरा पावर है, अगर तुम चाहो तो जो चाहे सो कर सकते हो, लेकिन सद्मार्ग पर जाकर। यही उपदेश हमें संतों के माध्यम से, जिस मानस की पंक्ति को हमने अपना सहारा बनाया है, जिसके माध्यम से 9 के 9 दिन ये कथा सुनाई गई आपको, प्रथम भगति संतन कर संगा। क्यों इस मानस की पंक्ति को हमने सहारा बनाया, क्योंकि संत के बिना भगवान को जानना बड़ा मुश्किल है। भ्रांतियां बहुत हो जाती हैं मन में, बहुत भ्रांतियां हो जाती हैं। आज हमारे सामने एक प्रश्न आया, बोले महाराज आप कहते हो दान दो, हम किसी को दान दें और उसी पैसे से अगर वो गलत काम कर रहा हो तो फिर मन हर्ट होता है। हमने किसी को दिया, वो ने कहा भोजन करना है, हमने दे दिया भोजन कराने के लिए, और वो जाके दूसरी जगह फिर कह रहा है हमें भोजन करना है, फिर तीसरी जगह उसे देख लेते हैं तो हर्ट होता है कि ये तो चल रहा है। फिर आगे किसी को न देने का मन कर जाता है, तभी तो संत तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें ज्यादा किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। तुमने जिस उद्देश्य के साथ दिया है तुम्हारा उद्देश्य सफल हो गया, जिस समय तुमने दिया उसी वक्त। तुमने जिस भाव से दिया है ना, मेरे प्रभु ने देख लिया है, मेरे प्रभु ने देख लिया, तेरा भाव कंप्लीट हो गया, तुझे फल मिल गया, अब आगे वो क्या कर रहा है वो जाने, उसका कर्म जाने। क्योंकि हमारी मानव बुद्धि है ना, कई बार भ्रमित हो जाती है। इसीलिए कोई शास्त्रज्ञ, कोई पुराणिक, कोई वैदिक, ऐसा हमें संत चाहिए जो सद्मार्ग पर चलने के लिए हमें एक मार्ग का दर्शन करा सके। और संत वही कहते हैं जो भगवान उनसे कहलवाते हैं, इसमें कोई दोरा नहीं। इसलिए संतों की वाणी पर कभी भ्रम नहीं करना चाहिए, कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जो कह दिया उसे वज्र की बात समझ लो कि हाँ ये पत्थर पे लकीर है, जो कह दिया वो हो गया। भगवान श्री राम ने ऐसे ही थोड़ी कहा है, क्या कहा, प्रथम भगति सन
तन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगते सन तन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना हो बिनु सत संग विवेक न होई सत संग विवेक न होई बस तो नहीं रही ताली है ना कहां बजेंगे ताली ताली बजाने के लिए दम चाहिए ना और पाप कम चाहिए ताली बजाने के लिए दम चाहिए और पाप थोड़ा कम चाहिए पाप ज्यादा है दम थोड़ा कम है तो सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सठ सुध रही सत्संगत पाई पारस परस भात सुहाई सठ सुध रही सत संगत पाई पारस परस को भात सुहाई को तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तो लायक अंग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तो लायक अंग तोलिनता हे सकल मिल सुख लब सत्संग प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा भगवान श्री राम कहते हैं अरे प्यारे हो अगर तुम मुझे पाना चाहते हो पहले संतों का संग करो मेरे संत ही हैं जो तुम्हें इस लायक बना देते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कई लोग नहीं मानते आजकल तो दीक्षा ऐसे दे देते हैं लेकिन पहले नहीं देते थे पहले बड़ी परीक्षा लेके देते थे बहुत परीक्षा लेते थे तब जाके दीक्षा देते थे एक चेला गया गुरु जी के पास गुरु जी मंत्र दे दो गुरुजी ने कहा मंत्र दे देंगे उससे पहले एक काम करना पड़ेगा क्या बोले 12 साल तक भजन करो फिर उसके बाद हमारे पास आना फिर मंत्र देंगे चला गए भजन करने के लिए 12 साल भजन किया 12 साल भजन करने के बाद में बाबा जी के पास फिर लौट के आए लेकिन जिस दिन वो आने वाले थे संत जी ने वहाँ जो आश्रम में सेवा करने वाली थी झाड़ू बुहारी करने वाली थी उसको पहले ही सिखा दिया कि फलाना ऐसा व्यक्ति आएगा तो तुम झाड़ू जरा तेज तेज लगाना जिससे सारी धूल उसी के ऊपर जाए ठीक है अब वो आए वो स्नान ध्यान करके आए 12 साल भजन करके आए और स्नान ध्यान करके आए इसलिए कि आज दीक्षा लेनी है आज हमारा जन्म सुधर जाएगा तो जब वो आश्रम में प्रवेश कर रहे थे तो बड़ी जोर जोर से उसने झाड़ू लगाई तो जो धूल थी वो उनकी तरफ गई और जैसे ही धूल गई वो मारने के लिए दौड़ा तुझे दिखता नहीं है महाराज जी के आश्रम में रहती है झाड़ू कैसे लगानी चाहिए इतनी भी तमीज नहीं सीखी तूने वो भागी झाड़ू छोड़ के गुरु जी के पास उससे पहले पहुंच गई वो स्नान करके फिर आएगा
गुरु जी से पहले वो पहुंच गई। गुरु जी ने पूछा क्या हाल है, बोले हाल बड़ा बेहाल है महाराज। क्या हाल है, बोले ऐसे भाग रहा है जैसे सांप खाने के लिए दौड़ता है। अच्छा ठीक जाओ। अब वो आए तो गुरु जी से कहा, गुरु जी हमें मंत्र दे दीजिए। संत ने कहा नहीं, अभी और 12 साल जाके भजन करो। अभी तो 12 साल गए, बोले और 12 साल करो। बोले ठीक है गुरु जी। फिर गए 12 साल भजन करने के लिए। 12 साल बाद फिर आए, मेरी 12 साल जल्दी कट रही है, उस बेचारे से पूछो 12 साल तो भजन करना पड़ा होगा उसे, हैं? मेरे तो कह दिया 12 सेकंड भी नहीं लगे 12 साल निकल गए। उसको 12 साल पहले भजन किया, फिर आए, फिर कह दिया 12 साल भजन करो। तुमसे कोई गुरु जी कह दे 6 साल भजन करो फिर मंत्र लेने आना, आओगे? बोलो। 6 साल बाद आना, कह दे गुरु जी भजन करो, आओगे? 6 साल बहुत दूर है, 1 साल भजन करो, लौटोगे? पिटारा गोल, घर में ताला पड़ जाएगा। अरे बाबा जी खराब, कहते 1 साल भजन करो, 1 साल भजन कर लेंगे, फिर बाबा जी की क्या जरूरत है, फिर गुरु जी की क्या जरूरत है? जब हम ही भजन कर लेंगे तो फिर बाबा जी की कोई जरूरत है? कह देंगे। 12 साल बाद फिर आए और फिर गुरु जी ने सिखा दिया, और एक जोर से लगा नाभ की बार, फिर जोर से लगाने लगी, वो धूल फिर उड़ के उसी के ऊपर आने लगी। और जब धूल उड़ के उसके ऊपर आने लगी तो वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, क्या तुम लोग दिखता नहीं है तुमको? आश्रम में आने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसे झाड़ू लगाना चाहिए? ऐसा धूल उड़ा दिए तुम हमारे ऊपर, अरे कुछ देख तो लो, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, झाड़ू लगाओ ऊपर देख लो। पता नहीं गुरु जी ने कैसे कैसे लोगों को रखा हुआ है। फिर गई गुरु जी के पास, गुरु जी ने पूछा हाँ? बोले गुरु जी खाना छोड़ दिया है पर फुंकार मारना तो अभी भी नहीं छोड़ा, फुंकार तो अभी भी मार रहा है। फिर आए वो स्नान ध्यान करके, गुरु जी मंत्र दे दो, 12 साल ये भी हो गई, अब टोटल कितनी हो गई? जोर से बोलिए। 24 साल बाद वो चेला कह रहा है गुरुजी अब तो मंत्र दे दो। गुरुजी ने कह दिया और 12 साल भजन करो। गए भजन करने, फिर 12 साल बाद लौटे, गुरुजी ने फिर सिखा दिया पूरा आपके कचरा ही डाल देना। छत पे चढ़ गई पूरा कचरा भर के, और जब आए, जब वो प्रवेश करने लगे 36 साल बाद जब प्रवेश किया तो उसने पूरा कचरा ही उठा के ऊपर से उसके ऊपर डाल दिया। हाथ जोड़ के कहता है देवी तुम बहुत धन्य हो, बहुत धन्य हो। मैं आ रहा था तो कहीं ना कहीं कोई तना पवित्र हो गया होगा, तुमने मुझे अवसर दिया है दीक्षा से पहले पवित्र होने का। अब मैं आश्रम में स्नान करूंगा और फिर गुरु जी का दर्शन करूंगा। झाड़ू लगाने वाली ने कह दिया गुरुजी अब दीक्षा के लायक हो गया है, अब न डस रहा है न फुंकार मार रहा है, अब तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया है। तो भजन आपको सहनशील बना देता है, विनम्र बना देता है। और संत का सानिध्य, संत के बताए हुए उपाय पर अगर आप चल पड़े तो जीवन तो सफल होता ही है, भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। लेकिन इस बात का अनुभव किसको होता है? बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। विदाउट गॉड ग्रेस, उसकी कृपा के बगैर आप कथा सुन नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। जब वो कृपा कर दे
तभी ये सब संभव है, तभी संतों का सानिध्य संभव है। इसीलिए चित्रकूट में मेरे प्रभु संतों का सानिध्य करते करते 12 साल तक रहे। उनके बाद में प्रभु रमण करते हुए आगे बढ़े, पंचवटी पे पहुंचे और जटायु जी से उनकी मुलाकात हुई। जटायु जी के संदर्भ में कथा आती है, भगवान श्री राम ने जैसी सेवा, अर्थात हम ये समझें जो क्रिया एक बड़े बेटे को करनी चाहिए वो क्रिया जटायु की है, ना कि अपने पिता दशरथ की। अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने अपने हाथों से जटायु जी महाराज का किया है, चक्रवर्ती दशरथ का नहीं किया। इसके पीछे कुछ रीजन है, मैं आपको बताता हूं। ये उस समय की बात है, एक बार अनेक कथा है, संतों का अलग अलग भाव है। दशरथ जी युद्ध करने देवताओं के लिए कहते, कोई तो कहता है शनि से युद्ध करने चले गए थे, शनि से लड़ने लगे थे, तो शनि की दृष्टि जब रथ पे पड़ी तो रथ भस्म हो गया, अब ये ऊपर से नीचे गिरने लगे। जब ये ऊपर से नीचे गिरने लगे तो जटायु जी महाराज ने इनको अपनी पंख पे साधा, वो भी आकाश में उड़ रहे थे, तो इनको अपनी साध के अपने ऊपर बैठाल के फिर लेकर गए शनि के पास में, युद्ध कराए। युद्ध होने वाला था तो प्रसन्न हो गए शनिदेव के, तुम इतने भी योद्धा हो कि मेरी दृष्टि के बाद भी तुम जीवित होके चले आए। तो जटायु जी महाराज इनको लेकर पंचवटी पे पहुंचे, तो जब पंचवटी पे जटायु जी महाराज दशरथ जी को लेकर पहुंचे तो दशरथ जी ने कहा, मैं आपसे बड़ा, मेरे पास आपको कुछ देने के लिए नहीं है, अगर मैं धरती पे गिर जाता तो पता नहीं मेरे तो क्या क्या हाल होते, पर आपने मुझे बचाया ही नहीं बल्कि युद्ध में भी मेरी एक तरीके से विजयी आपने करवा दी, मैं आपको क्या दे सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने को, बताओ आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा, देखो दशरथ जी, हम पक्षी हैं, हम लोगों को जैसे आपके पुत्र होते हैं ना, वैसा पुत्र प्रेम नहीं मिलता। एक वादा करो, जब तुम्हारे कोई पुत्र हो तो तुम अपना बड़ा पुत्र मुझे दे दोगे और उसको बताना कि ये तुम्हारे धर्म के पिता हैं, वो हमारी सेवा करे या हमारे साथ रहे, और जब हम मरे तो हमारा अंतिम संस्कार वो अपने हाथों से करे। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गया और दशरथ जी कहने लगे, पक्षीराज आपने मांगा भी तो वो जो मेरे पास नहीं है, अभी तो मेरी कोई संतान ही नहीं है, तुम कह रहे हो पहला पुत्र, प्रथम पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है। पक्षीराज बोले, जब हो तब की बात है। बोले ठीक है, ये वादा रहा। अब महाराज पहले तो चतुर्थ अवस्था था, कोई पुत्र ही नहीं हुआ, जब हुआ तो भूल गए, अब जब पुत्र हुआ ये सुना, तो जटायु उन अयोध्या में पहुंचे, और जब अयोध्या में पहुंचे जटायु तो दशरथ जी को याद आ गया कि मैंने इनको क्या वायदा किया, अब राम जी का दर्शन करने के बाद राम देने का मन करेगा, बिल्कुल नहीं करे। अब जटायु जी ने इशारा किया कि हाँ बड़े पुत्र को हमको, वो थर थर कांपने लगे, दशरथ जी रोने लगे कि मैं पुत्र को कैसे दे सकता हूँ, वो राम को कैसे दे सकता हूँ, और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ राम देने का विषय नहीं है, वो भी तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हो तब, ऐसे नहीं कि तुम पी के पड़े हो वो राम जी को तुम्हें दे दे, पीना भी हो तो क्या, पीना हो तो क्या, राम रस, नाम रस मीठा है, कोई पीवे संत सुजान नाम रस, नाम रस ये हो, नाम रस मीठा है, नाम रस नाम रस मीठा है,
पीवे संत सुजान नाम रस मीठाए नाम रस मीठाए नाम रस मीठाए कितना मीठा एकदम से नाम रस रोक दिया तो जहर सा घुल गया कि नहीं बोलो गोरा नहीं लगा है कैसे जैसे जहर घोल दिया हो रोक क्यों दिया वाय प्लीज जॉन प्लीज कैरी ऑन ये क्या है यह है नाम रस मेरे प्यारे दौलत गिनते गिनते थक जाते हो लेकिन हरि का नाम जपते जपते जो ना थके वो राम दर्शन का अधिकारी वो हरि दर्शन का अधिकारी और राम को देने का विषय थोड़ी है साहब जटायु जी देख रहे दशरथ जी का प्रेम उन्होंने कहा देखो एक बात काम करो क्या देखो हम पक्षी हैं हम इनका लालन पालन नहीं कर सकेंगे ये राजमहल में रहता है एक काम करो इन्हें बड़ा करो आप अपने पास में रखो इनका लालन पालन करो जब ये बड़े हो जाएं तब हमारे पास भेज देना अब पिताजी तो वो भी भूल गए शादी कर ली सब आनंद हो गया युवराज पद तो राम ने स्वयं ने ये लीला करी देखिए एक बात बता दें बाप के वचन को पूरा करना बेटे का दायित्व है अगर गलती से कहीं बाप पीछे रह जाए तो बेटा कंप्लीट करे हाँ अब इस बात पे नहीं बजाएंगे बेटा ताली है ना बेटा कब बजाएंगे बोले बाप की प्रॉपर्टी हत्या ले यही यही काम है बेटों का और कोई काम नहीं है जो भी बाप कमाए सब पे कह दे ये मेरी है प्लीज गिव मी माई पागल है क्या पिता के द्वारा जो भी कार्य अधूरा रह जाए पुत्र को वो पूरा कंप्लीट करना चाहिए अच्छा पुत्र यही करता है स्वयं श्री राम ने ऐसी लीला करी जिससे दशरथ जी का वचन पूरा हो जाए और आज पहुंच गए गीत राज सन भेट वही बहुविध प्रीत दृढ़ाए आज प्रेम से मिले और अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए और कह दिया चिंता मत करना इस पंचवटी पे जब तक मैं हूं तुम्हें कोई विघ्न नहीं आने दूंगा पक्षीराज कह रहे हैं जटायु कह रहे हैं पंचवटी पे रहने लगे और जानते हो एक विचित्र सा एक दिन लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न कर दिए श्री राम जी से मोहे समझाए कहो तुम देवा सब तज करूं चरण रति सेवा मुझे वो उपदेश दीजिए कौन कह रहे हैं कौन कह रहे हैं ये वो कह रहे हैं जो 24 घंटे राम की सेवा में लगे जिसने राम की सेवा के लिए राज्य छोड़ दिया जिसने राम की सेवा के लिए परिवार छोड़ दिया जिसने राम की सेवा के लिए अपनी नई पत्नी को ही छोड़ दिया शादी होके जस्ट अभी तो आए थे कुछ समय पहले अपनी पत्नी को भी छोड़ के जो पूर्णतः अनुरागी मन लेकर परमात्मा की सेवा कर रहे हो वो कह रहे हैं मुझे और कुछ ऐसा बताओ जिससे सब कुछ त्याग कर जो कि ऑलरेडी त्यागा हुआ है आप ही के चरणों की सेवा करूं माया में और ईश्वर में अंतर क्या है कृपा करके बताइए प्रभु श्री राम कहते हैं लक्ष्मण मैं और मोर तोरते माया जिही बस कीने जीव निकाया जहां मेरा और तेरे का भाव उत्पन्न होता हो वही माया है माया का मतलब सिर्फ मनी नहीं माया का मतलब ही कुर्ता भी है माया का मतलब गाड़ी भी है माया का मतलब बेटा बेटी पति पत्नी माँ बाप भी है जिसमें ये भाव उत्पन्न हो जाए कि ये मेरा है और ये तेरा है वही माया है जीव जो मुझे पाना चाहता है उसके लिए एक ही रास्ता है उसे कभी भी माया में मन नहीं लगाना चाहिए उसे सारा मन मेरे ही चरणों में बांध देना चाहिए सारा प्रेम मेरे ही चरणों से करे और सबका परित्याग करे सबकी ममता ताग बटोरी सारे रिश्ते नातों की ममता मेरे चरणों से बांध दे बस और कोई ऑप्शन नहीं उसके पास में संत सत्संग सुनने आते थे संतों के मन में ये विचार हुआ
राम जी जब पत्नी रख सकते हैं तो हम सबको भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखना चाहिए, ध्यान से सुनना ये संत क्या कर रहे हैं। सीता जी राम जी के साथ हो सकती हैं तो हमारे साथ स्त्री क्यों नहीं हो सकती। दूसरे ने कहा क्यों स्त्री क्यों चाहिए, बोले इसलिए चाहिए भैया देखो हम दो समय कथा सुनने आते हैं, राम जी का प्रवचन सुनने आते हैं, सुबह जल्दी करना पड़ता है, फिर दोपहर का भोजन हो जाता है, दोपहर का भोजन होने के बाद ये सबसे बड़ी बात है रेस्ट नहीं मिलता, रेस्ट नहीं मिलता, शाम को फिर सत्संग। अब जिसे राम से मिलना हो उसे रेस्ट की जरूरत है का। फिर भी संत ने कहा अगर स्त्री हो तो घर का काम वो संभाले और हम सत्संग करें प्रभु के साथ। अगले दिन कैसे स्त्री कैसे है, बोले राम जी के चरणों में जादू है, एक एक पत्थर लेके चलते, एक एक पत्थर लेके चलेंगे, राम जी रज लगा देंगे और वो सब के सब स्त्री बन जाएंगे। राम जी ने दूसरे दिन देखा सारे महाराज जितने भी थे संत वो सब एक एक पत्थर लेके आ रहे हैं, और दिन तो फल फूल लाते थे आज जो है पत्थर ला रहे हैं। राम जी ने पूछा क्यों महाराज आज पत्थर क्यों, बोले महाराज देखो हम सीधी सीधी बात कहें, एक भाव है मानस में, ये नहीं है मानस की अलग जो और कथाएं रामायण सतकोट पारा बहुत है उसमें एक भाव आता है बड़ा प्यारा, बोले महाराज आपका कुछ नहीं जाना हमारा बहुत कुछ बन जाना, आप इन पत्थरों से चरणों की रज लगा दो, एक एक स्त्री हो जाएगी, वो भोजन पानी ये वो व्यवस्था वो कर लेगी और हम आपके साथ सत्संग में लगे रहेंगे। राम जी बोले हम तो यहाँ आए सीता जी को लेके देवताओं का कार्य करने के लिए, अब हमको थोड़ी पता था कि सीता जी को देख के महात्मा भी स्त्री की इच्छा रखें। जैसे तैसे कह दिया ये व्यवस्था कल करेंगे, आज तुम जाओ, संतों को वापस भेज दिया, कल करेंगे व्यवस्था। और राम जी ने उसी बीच में एक लीला करी, क्या करी, सुपर्णखा को बुला लिया, सुपर्णखा, और सुपर्णखा बड़ी बड़ी है सुपर्णखा को, सुपर्णखा रावण की बहनी, और राम जी के पास पहुंची, मुस्कुरा के बोलने लगी, देखिए बोली ऐसे नहीं बोली, बहुत मुस्काई, कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही है। जितनी भी देवियां यहां पर बैठी हैं अगर आप कहें तो एक एडवाइस दूं कि नहीं, बोलिए दे दूं, प्यारी सी एडवाइस है, जब भी शॉपिंग करने जाएं मार्केट में जाएं या कहीं भी जाएं या किसी फंक्शन में जाएं कोशिश करें कि ज्यादा हंस हंस के किसी से बात ना करें, ताली किस लिए बजा रहे हो, किस लिए बजा रहे हो। देवियां इसमें बुरा मत मानना, जब आप बेवजह और अननोन पर्सन से या उसके सामने जब आप रोड पे जा रहे हैं और आप मुस्कुरा मुस्कुरा के और थोड़ी चंचलता के साथ जब आप रोड पे भ्रमण करते हैं तो उससे मेरे परिवार के विषय में भी ये नॉलेज हो जाती है, मेरे खुद के विषय में ये पता चल जाता है और फिर वो छवि ठीक नहीं होती। सुपर्णखा यही तो कर रही है, पंच बटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा, हो रुचेर रूप धरे प्रभु पैया, हो बोली बचन बहुत मुस्काए, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विद रचा विचारे, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विद रचा विचारे, होता ते अब लग रही कुमारी, ताते अब लग रही कुमारी, हो मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी।
बजे मुस्कुराओ मत, मुस्कुराना अपने घर में रह के मुस्कुराओ, मर्यादा में रह के मुस्कुराओ। ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, आज मेरे भारत में इतनी बुरी दशा है, जिस दिशा इस देश में इस समय 3 सालों की बेटी सुरक्षित नहीं। आप कह सकते हैं 3 साल की बेटी क्या मुस्कुराती, नहीं बात ठीक है, लेकिन जब 20 साल की बेटी मुस्कुराती हुई रोड पे भ्रमण करती है तो हमारी बेटी का मान सम्मान और भी ज्यादा दाब पे लग जाता है। मैं आपको अपना समझ कर कह रहा हूं, ये कोई तुगलकी फरमान मत बोल देना कि ये परफान आप सुना रहे हो, ऑर्डर सुना, ऐसा कुछ नहीं। मेरी नजर में इस हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कीमती कोई चीज है तो वो है भारत की बहन बेटियों की इज्जत, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हीरा मोती बार बार आ सकते हैं, मकान दुकान बनाई जा सकती है, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत दोबारा नहीं लाई जा सकती, उससे कीमती कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तो सुपर्णा बड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा के, अरे बड़ा भेष बदल के, थोड़ा पाउडर साउडर बढ़िया एक्स्ट्रा लगा के गई, और लगा के मुस्कुरा के बोली, और पहला ही शब्द नो राम राम श्याम श्याम कुछ नहीं, सीधे बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारे समान पुरुष नहीं है दुनिया में, मेरे समान कोई नारी नहीं है दुनिया में, एक काम कर लो मुझसे शादी कर लो। और राम जी ने देखा ये बड़ी चंचल स्त्री है, अभी हम पहली बार ही तो मिली है हमसे और शादी तक पहुंच गई। कई लोग बड़े फास्ट होते हैं ना, मॉडर्न लोग फास्ट होते, भारतीय लोग उतने फास्ट कहां होते हैं, हमारा तो राजा ही फास्ट नहीं है अभी इतना, राजा मीन्स राम फास्ट है। बायकादा जनकपुरी में गए, पुष्प वाटिका में मिले, फिर धनुष तोड़ा, फिर 6 महीने बरात में रहे, फिर धीरे धीरे ये कर रहे हैं राम जी। और देखे सुपड़का कितनी बात, पहली नजर में तुमको देखा तो प्यार हो गया। अब महाराज शादी कर लो, राम जी कभी भी ऐसे मायावादी लोगों को देखते ही नहीं, ये कौन है, ये माया है मेरे प्रभु। और देखो साहब ऐसे नहीं कर रही है, तुम बोले मुझे ऐसा वैसा मत समझना, साधारण घर की नहीं हूं मैं, रावण की बहन हूं। राम जी ने देखा ही नहीं, माया है देखना ही नहीं। ईश्वर कभी माया की तरफ नहीं देखता, ईश्वर किसकी तरफ देखता है, भक्ति की तरफ देखता है। वहां सीता बैठी हुई है, राम जी ने क्या किया, सीतई चीतई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोरे लघु भ्राता। लोग कहते हैं, बहुत से लोगों को संदेह होता है राम जी झूठ बोले, जबकि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी करे आय कुमार मोर लघु भ्राता, राम जी ने कहा कुमार, कुमारा नहीं कहा, कुमार लक्ष्मण कुमार। और कुमार क्यों, बोले देख जैसे तू है ना वैसा ही वो, जैसी तू वैसी वो। लक्ष्मण सुपर्णखा जैसे है? नहीं, फर्क है। सुपर्णखा का दर्द है कि उसके साथ उसका पति नहीं है, तो ये भी शादीशुदा, लेकिन इसका पति रावण ने ही मार दिया, तो इसके पास पति नहीं है, तो ये अकेली। लक्ष्मण भी शादीशुदा है, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला वो अयोध्या में है, तो ये भी अकेले। तुम दोनों अकेले हो, देखो हमारे पास तो हमारी है, तुम्हें बात करनी हो तो उधर जाके बात करो, अगर मान जाए तो, अगर मान जाए। भाई राम जी जानते वो मानने वाला नहीं है, उसे राम के चरणों को छोड़ के किसी से प्रेम नहीं, तो वो क्या मानेगा। फिर भी आपत टाल दी, उधर जा थोड़ा इधर उधर, थोड़ा कुतू इधर उधर गड़बड़ बड़बड़ करेगी तो लक्ष्मण हैंडल कर लेगा, जा या भक्ति के सामने तुझसे बात करना ठीक नहीं। और वैसे भी जब पत्नी साथ हो तो पति को कंट्रोल में ही रहना चाहिए, देवर के पास भेज दे पत्नी के, अपने भैया के, उनसे पूछ लो क्या बात है, हमको बख्शो, नहीं तो तुमसे बात करे पता चले वहां देवी जी
खट खड़ी कर दिया जा। देवी तो सब देवी, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जो यहाँ मैं उसे नहीं कह रहा हूँ, आप तो एकदम बहुत धीर गंभीर शांत एकदम साधु स्वरूप है। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी से कहा हमसे शादी कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा देखो देवी जाओ यहाँ से, हमें तो एक ही शादी हमने राम के चरणों से कर रखी, हमें और किसी शादी नहीं करनी। अरे उन्होंने ही भेजा है हमको तुम्हारे पास। बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु कर रहे हो नहीं सब चार। कौशलपुर के राजा हैं, वो जो कह दें सो ठीक है, हम लोग तो सर्वेंट, हम लोग तो सेवक हैं। सेवक थोड़ी ना कुछ कर सकते, सेवक सुख चय मान भिकारी, व्यसनी शुभ शुभ गति व्यभिचारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, वो नहीं हो सकता। सुपर्णिका बोली तुम सेवक बनना, हम सेविका बन के सेवा करेंगे, शादी तो कर लो। बोले कुछ नहीं करना। बार बार जिद किया तो राम जी के इशारे पर लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण अति लागव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहूं मनौ चिनौती दीन। लक्ष्मण जी ने कहा जो स्त्री अपने समाज में अपने माँ बाप का मान सम्मान बरकरार न रख सके उसकी तो नाक काट देनी चाहिए। आजकल की बात अलग है मेरे भाई बहन, आजकल समाज में हम लोग कैसे भी घूम सकते हैं। लोग कहते हैं हमें फ्रीडम प्राप्त है, अरे इतना भी फ्रीडम मत ले लीजिए जिसमें हमें यही नहीं पता हो कि फ्री कौन हुआ और डम कौन हुआ। हमें इतना याद रखना होगा कि वी आर हिंदुस्तानी, व्हाट इज आवर कल्चर माय डियर, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। अब सुपटका की नाक कटी तो खरदूसर त्रिसरा को ले आई, भगवान ने बहुत खेले खेल में मार दिया, एक ही बाण चलाया सब मर गए। रावण के पास पहुंच गई अभी, और रावण को जाके बहुत विचित्र बोली है। पर यहां ये जो रावण से बोली है वो छोड़ दीजिए, हम ये बात सोचनी चाहिए कि यहां के बाद रावण ने क्या सोचा। बहुत से लोग रावण को बहुत ही ज्यादा गलत समझते हैं, लेकिन रावण को कहते हैं ये भी बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा। रावण ने जब ये सुना, ये पंक्ति जरा, रावण का ये विचार, इसको कहते हैं वो पर्सनल अकेला बैठ के विचार कर रहा था कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रावण ने कहा इस संसार में ऐसा कोई बलवान योद्धा नहीं है जो खरदूसर को मार सके। खरदूसर मोहि सम बलवंता, उन्हीं को मारे बिनु भगवंता। कोई है भजन ना तामस लेहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ लेहा। रावण कह रहे हैं खरदूसर मेरे समान बलवान है, उन्हें भगवान के बगैर कोई नहीं मार सकता, और मेरा ये जो शरीर है ना बड़ा तामसी है, भजन नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं महाराज ये आप ये खाने के लिए मना कर देते हो, ये क्यों खाने के लिए मना कर देते हो, ये क्यों खाने के लिए। अरे जब आप गंदी गंदी चीजें खाते हो आपका शरीर तामसी हो जाता है, आपका मन भजन में नहीं लगता, फिर आप भजन नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी गरिष्ठ और तामसी चीजें नहीं खानी चाहिए, वही खाना चाहिए। महात्मा लोग जाके समाधि में बैठते भजन करते, सिर्फ पत्ती क्यों खाते थे, फल क्यों खाते थे, जिससे उनका शरीर तामसी ना हो, भजन में मन लगा रहे। आप लोग खूब पराठे खाते हो, पूड़ियां खाते हो, कचौड़ियां खाते हो, अरे आजकल तो और भी मोटे मोटे कई सिस्टम चल गए, बताऊं कि नहीं। एक आता है इतना मोटा, खाने की चीज है वो, इतना मोटा होता, और वहां में तमाम घास फूस हरा हरा लाल लाल सब भटका रहे उसमें, पूरा उसमें भर रहे। अब वो मुंह
मुंह कम से कम 3 बार फाड़ना पड़े तब जाके एक बार हाइट कंप्लीट हो उसकी। और उसमें भी नीचे से टपक रही कुछ देते मन लगे भजन में, उसे खा के चक यार एसी चल रहा है सो जा। अरे जाके वो काम शाम को दे 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे के लिए तू गया काम से। ऐसा कोई भोजन मत करो जो तुम्हें भगवान और भगवान के भजन से दूर कर दे। शुद्ध शाकाहारी बनो। अब तो डॉक्टरों ने भी वैज्ञानिकों ने भी कह दिया मांसाहार करने वाले के हार्ट अटैक जल्दी पड़ता है, उसे और 500 रोग लग जाते हैं। मेरी पार्टी एक ही है, राम जी की पार्टी, कृष्ण जी की पार्टी। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन गौ हत्या फुली स्टॉप होनी चाहिए हिंदुस्तान में। गौ हमसे संबंधित है। और अभी मैं एक मौलवी जी का धन्यवाद और साधुवाद दूंगा, उन्होंने भी कहा है कि गौ हत्या भारत में बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और जो लोग अटर सटर पटर करते हैं ये वो लोग हैं, वेद पुराण की बात करें ऋषि मुनि खाते थे, बेशर्मो निकम्मे माँ बाप का दूध ले जाने वाले लोग, ये जाने हम लोग ऋषि मुनि मांस खाते पापी कहीं के। ऐसे ही ना करते हैं वो, तो छड़े राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, जो काम का बनना चाहता है पहले मेरे राम का बन जाए। मेरे भाई बहन जो राम का बनेगा वो मेरे काम का। भगवान श्री राम के उस भाव को रावण भी समझ गया था, रावण भी, कि खरदूषण मेरे समान बलवान है, उन्हें भगवान के बगैर कोई नहीं मार सकता, लेकिन मेरा तामसी शरीर है, मुझसे भजन नहीं होता, नहीं होगा मुझसे तामसी शरीर है भजन। तो एक ही उपाय है, तो मैं जाए बैर हट करे हो प्रभु सर मान तजे भव तर। एक ही उपाय है, या तो भजन करके तर जा या फिर प्रभु के हाथों से मर के तर जा। अब एक ही ऑप्शन है कि प्रभु से जाके शत्रुता कर लूं, और जब प्रभु से शत्रुता हो जाएगी प्रभु मुझे अपने हाथों से मार देंगे तो मेरा बेड़ा पार अपने आप हो जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मारीच को साथ में लिया और वहां सीता जी को प्रभु ने अग्नि में वास करा दिया। ध्यान से सुनना, बहुत से लोग ये भी प्रश्न उठाते हैं, हमारी माता बहनों को भड़काते हैं कई मॉडर्न लोग, राम जी ने बहुत बुरा किया, सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। उन्हें सिर्फ अग्नि परीक्षा मालूम है, उन्हें अरणकांड की सीता के विषय में भी कुछ पता नहीं। राम जी ने सीता जी से कहा तुम पावक मह करौ निवासा जब लग करौ निशाचर नासा। सीता जी कितनी पतिव्रता है, श्री राम जी ने कहा तुम अग्नि में वास करो, कब तक, जब तक मैं राक्षसों का वध करूं। प्रभु के चरणों को चित में रख कर, प्रभु के चरणों को चित में रख कर सीता जी अग्नि में समा गई और अपना प्रतिबिंब, आज की भाषा में कहूं तो अपना दूसरा स्वरूप नकली स्वरूप राम जी के पास में स्थापित कर दिया। किस लिए? और ये बात कोई नहीं जान सका, इवन लक्ष्मण भी नहीं जान सके, लक्ष्मण को भी नहीं पता कि क्या हुआ, उन्हें भी नहीं पता। अब सीता जी जो सत्य सत्य सीता जी है, सत्य स्वरूप सीता जी का, वो अग्नि में वास कर रहा है। अब तो सिर्फ सीता जी का प्रतिबिंब। अच्छा एक बात बताओ, असली सीता जी होती तो रावण की हिम्मत थी कि सीता जी को ले जा पाता है? सती का सतीत्व क्या होता है मैं आपको बताऊं, सती अनुसुईया जी ने नारायण शिव और ब्रह्मा तीनों को बच्चा बना दिया। बनाया कि नहीं, बनाया कि नहीं? तो जब सती अनुसुईया के सतीत्व से
त्रिदेव बच्चे बन गए तो सीता मैया का सतीत्व कैसा होता बताइए ना। तो क्या राम नहीं चाहते थे कि सीता जी यही मार दे रावण को? बोले नहीं, यही तो नहीं चाहते थे। क्यों? बोले अगर यहां मार देते रावण को तो रावण लंका में जो और बड़े पड़े उनका क्या होता? रावण को यहां मार दे उससे समस्या का हल नहीं है, वहां जाना ही पड़ेगा। और वहां कैसे, बेवजह थोड़ी मार दोगे आप किसी को, कोई वजह तो चाहिए। इसलिए सीता जी का प्रतिबिंब हरण करवाया, सीता जी का हरण नहीं करवाया। सीता जी तो अग्नि के हवाले कर दी गई, कहां जानेंगे जब तक रामायण न पढ़े, जब तक आप वेद न पढ़े, जब तक आप मेरे प्रभु को जानने की कोशिश न करे, तब तक संशय बना रहेगा। रामायण भी तो कहती है तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। जब बहुत अनाद काल तक आप सत्संग करते रहोगे आपके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। बिना सत्संग के समाप्त होने वाले नहीं, बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। हे कुर्सी पे बैठे लोग थोड़ा ठीक हो जाओ, कमर मत टिकाओ, आलसी ऐसे बैठो, मन लगाओ। अरे आप भी ऐसे ही मारीच को लेके गए, माया का मृग बन गए मारीच, सोने का मृग। अब पहली बार सीता जी की नजर माया पे पड़ी। अयोध्या में रही तो कभी कोई गिफ्ट नहीं मांगा, सीता जी अयोध्या में रही कभी कोई गिफ्ट नहीं मांगा। देखो देवी हो, जितना भी ध्यान रख लो मेरी बात को समझ लेना, जब जब आप अपने पति से गिफ्ट मांगते हो तब तब पति की जो है ऊंची हो जाती है। तेरे को अपनी पड़ी है, देख नहीं रही कितना कम पड़ा हुआ है। तो देवियों से मेरा निवेदन है कि कभी भी डिमांड ना करें अपने पति से, आई वॉन्ट टू दिस, आई वॉन्ट टू दिस, आई वॉन्ट टू, कभी डिमांड ना करें। और पति को चाहिए हर महीने कमाई के अनुसार एक वस्तु जरूर गिफ्ट किया करें अपनी पत्नी को। बस हो गया काम। व्यासपीठ बड़ी ही न्यायदायक है साहब, देवियों को मिलता रहे तो डिमांड क्यों करेंगी देवियां। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, अगर गिफ्ट मांगना हो तो प्रभु से संबंधित गिफ्ट मांगते रहो अपने पति से, वहां लेके चलो, वो करो वो करो, जिससे आप दोनों का परलोक सुधरे। आज पहली बार सीता जी की नजर माया पे गई कि प्रभु आप ये माया मृग जो है, ये जो मृग है ना कंचन मृग, ये कंचन मृग ले आओ, कुटिया में लगा के रखेंगे, बड़ा सुंदर लगेगा। भगवान श्री राम कहते हैं भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनी तो होकर रहे टाल सके ना कोई। होगा ही। लक्ष्मण से कहा देखो मैं जा रहा हूं, तुम ध्यान रखना पीछे से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, यहाँ बहुत राक्षस वाक्यस घूमते रहते, ध्यान रखना। बोले जी प्रभु, चले गए। अब वो तो मृग के पीछे पीछे, मृग कौन है? मारीच। मारीच को बाण का अनुभव है, राम जी ने वहां से बक्सर वन से भेज दिया था इसे लंका में, करंट आ जाता है राम जी का नाम सुनते ही, इसको राम 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 कर रहा है। रावण को भी बहुत समझाया था, मत जा मत जा, बता रहा हूं मैं तेरे को मत जा, मैंने देखा है उनका बल। पर देखो साहब, दो लोग नहीं मानते, एक तो जो अंदर ही अंदर निर्णय कर चुके हों कि मुझे ये करना है, वो लोग किसी की कोई बात नहीं मानते। दूसरे जिनकी दुर्गति होने वाली हो, जिनकी दुर्गति होने वाली हो, वो किसी की अच्छी बात कभी नहीं मानते। इसीलिए तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश नजदीक होता है तो हमारी बुद्धि हमारे विचार गलत दिशा में दौड़ते हैं। वही रावण के साथ हुआ। अब वो मारीच राम जी का दर्शन कर रहा है, कभी दूर कभी पास, कभी दूर कभी पास। राम जी धनुष पर बाण चढ़ाकर पीछे पीछे भाग रहे, राम जी भी मारीच की सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। भगवान का काम ही है भक्त की इच्छा पूरी करना, रावण का काम करने नहीं आया है मारीच।
अपना काम करने आया है मारीच। रावण ने कहा था या तो राम के हाथ से मर जा नहीं तो मैं मार दूंगा। रावण ने जब ये कहा तो मारीच ने कहा अगर रावण मारेगा तो नरक मिलेगा और राम मारेंगे तो मोक्ष मिलेगा, तो राम के हाथ से मरना चाहिए मेरे भाई बहन, रावण के हाथ से कभी नहीं मरना चाहिए। माया हमें रावण की दुर्गति की तरह मारती है और जो भक्ति है वो हमें राम की तरह मोक्ष प्राप्त करा देती है। इसलिए मरने से पहले भक्ति कर लो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, चल दिए मेरे भाई बहन। तब तक राम कठिन सर मार, जब दूर ले गया तो राम जी ने कठिन प्राण मार दिया, प्राण निकल गए। और अंतिम समय पर जब उसके प्राण निकले तो उसने अपने स्वामी का काम भी किया, मुंह से निकला हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, तो वो राम की बाणी में बोले, राम की आवाज में बोले और मन में राम राम कहकर प्राण त्याग दिए। राम जी उसके अंतः प्रेम को समझ गए और मेरे प्रभु ने उन्हें कल्याण दिख कर दिया, उसका मोक्ष कर दी उसकी। उधर में ये गड़बड़ हो गया, जब लक्ष्मण जी ने सुना, सीता मैया ने सुना कि प्रभु बुला रहे हैं, उनको लगा, सीता मैया को लगा कि राम जी ने मदद के लिए सहायता के लिए बुलाया। लक्ष्मण से कहा जाओ लक्ष्मण अपने भाई की सेवा करो, मदद करो, सेवा सहयोग करो। लक्ष्मण जी कहते हैं माँ जिनका नाम लेकर बड़ी से बड़ी विपत्ति दूर भाग जाती है क्या उन प्रभु पर कोई संकट आ सकता है? कदापि नहीं, कभी नहीं आ सकता। मुझे मेरे प्रभु ने आपकी सेवा में आपकी रक्षा के लिए भेज रखा है तो मुझे यहीं रहने दीजिए। सीता मैया ने कुछ मरम वचन कहे। क्या मरम वचन कहे? तुम सात जो वन में आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है, लाओ अगर तुम नहीं जाओगे सहायता करने अपना धनुष बाण मुझे दो, मैं जाती हूं अपने पति की रक्षा करने के लिए। आज तक इतने कड़वे वचन माँ ने कभी नहीं कहे, लक्ष्मण ने कभी सुने नहीं। लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए, एक तरफ माँ आज्ञा कर रही हैं, एक तरफ भैया कह के गए यहाँ से जाना मत, अब दोनों ही कार्य करने हैं। तो दोनों कार्य करने के लिए क्या किया, लक्ष्मण रेखा खींचते, अच्छा माता मैं जाता हूँ तुम सावधान हो कर रहना, मैं रहा आपकी आज्ञा में तुम रेखा के भीतर रहना, मैं रहा आपकी आज्ञा में अब आप रेखा के भीतर रहना, और हाँ जो रेख उल्लंघन करके इस पवित्र कुटी में आएगा हयान उसे ये लक्ष्मण की जल के भस्म हो जाएगा, वो अंदर नहीं आ सकता पर कृपा करना भीतर ही रहना। बोले ठीक है। अब लक्ष्मण चले गए, उधर से रावण जति का भेष बना के संत का भेष बना कर आता है और संत का भेष बनाकर सीता मैया से भिक्षा मांगता है, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सीता माँ भिक्षा देती हैं, वहाँ अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, रावण समझ गया भीतर नहीं जा सकते। तो रावण ने कहा कि माँ अगर भिक्षा देनी है तो बाहर आके दो, अगर आप बाहर नहीं आओगी तो बंदी भिक्षा में कैसे ले सकता हूँ, नहीं लूँगा। सीता माँ ने कहा मेरे देवर की आन है। बोले ठीक है आप देवर की आन रहो, हम और कहीं जाके मांग लेंगे। सीता माँ जानती है गृहस्थी के द्वार से अतिथि कभी निराश नहीं जाना चाहिए। आप लोग भी सब ध्यान से सुन लीजिए, हम लोग सब कहते हैं हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी वही सदगृहस्थी है जिसके द्वार से आने वाला अतिथि कभी निराश होकर नहीं बल्कि अपनी इच्छा पूर्ण करके जाए तो वो आशीर्वाद दे के जाता है, वो सदगृहस्थी है महाराज। देवर की आन रहे ना रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का, चाहे देवर की आन झूठी हो जाए पर ग्रस्त धर्म झूठा नहीं होना चाहिए। सीता माँ फल लेकर बाहर आई और तब वह है, तब रावण ने जो रूप दिखावा, सीता माँ बोले अरे दुष्ट खड़ा रहे खबरदार मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं, अगर हिम्मत है तो खड़ा रहे मेरा पति आने वाले तुम्हें भी पता चल जाएगा। रावण कहता है संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं जो मेरे नाम से कांप न जाए, और ये निर्भय होकर अपनी वाणी बोल रही, मुझको तो ऐसा लगता है जगदम्बा वाणी बोल रही, जगदम्बा जगजननी है। तब रावण ने क्या किया, मन महु चरण बंदे सुख माना। रावण ने क्या किया,
मन ही मन सीता माँ के चरणों में प्रणाम किया। क्या किया मेरे प्यारे, जोर से बोलिए। प्रणाम किसको करता है इंसान, किसके चरणों में करता है बोलिए, हैं? जिसमें कुदृष्टि रखे, क्या इंसान उसके चरणों में प्रणाम करेगा? नहीं करेगा। जिनमें मातृभाव हो, माता का भाव दिखता हो, उन्हीं के चरणों में प्रणाम करता है ये इंसान। रावण कहता है माँ आप चलो मेरे साथ, आप नहीं चलोगी तब तक प्रभु नहीं आएंगे, और जब तक प्रभु नहीं आएंगे तब तक राक्षस दल का कल्याण नहीं होगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा माँ। अब बेटा चाहे कितना भी दुष्ट हो, आखिर माँ को दया आ ही जाती है। फिर सीता माँ को वो रावण बैठाल के लेके जाने लगा, तभी जटायु सीते पुत्री कर जन त्रासा, सीता को पुत्री कह रहे जटायु, चिंता मत करो पुत्री, ये दुष्ट तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, मैं हूं। रे रे दुष्ट ठाड़किन होई, जितने भी नौजवान यहां पर बैठे सुनना, ये भारत कितना पवित्र देश है, इस देश में देवियों की कितनी मान सम्मान, कितनी इज्जत है। इस देश में पक्षी भी देवियों की इज्जत की रक्षा करने के लिए अपनी प्राण की बाजी लगा देता, अपनी जान की बाजी लगा देता। आज क्या हो गया इस देश को, जिस देश में पक्षी भी, पशु पक्षी भी स्त्री का मान सम्मान करते थे, उस देश में आज नौजवान इतनी गलत राह पर चला गया कि जहां स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, रात में न दिन में। इसका रीजन समझ लो, इसका एक ही रीजन है, जब जीव धर्म से दूर हो जाता है तो अधर्म की ओर उसका रास्ता बढ़ जाता है। इसलिए अपने बच्चों को धर्म की ओर लेके जाओ, अधर्म की ओर लेके मत जाओ। धर्म की ओर गए तो तेरा भी बुढ़ापा सुरक्षित और देश की हर बेटी सुरक्षित। राधे राधे, जोर से बोलना पड़े, बड़े धीरे बोल रहे हो, क्या बात है, और जोर से। जटायु ने पहले तो रावण को मूर्छित कर दिया, पर काटे से पंख पड़ा खग धरनी, सुमिरे राम की अद्भुत करनी, पंख काट दिए। और जब पंख काट दिए तो मेरे भाई बहन बड़ा कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, राम राम सुमिरन करके गिर पड़े। उधर में सीता जी को वो ले गए, कुछ वानरों को देखकर सीता जी ने अपनी हाथ की चूड़ियां इत्यादि गिरा दिए। रावण लंका में सीता माँ को ले गए, राम जी सीता को ढूंढते ढूंढते जटायु जी के पास में पहुंचे, और जब जटायु के पास में पहुंचे तो जटायु जी को अपनी गोद में रखकर प्रभु श्री राम रोने लगे। और जब प्रभु श्री राम रो रहे हैं तो पूछा, ये दशा आपकी किसने की है? तो जटायु जी ने बता दिया, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेसठ जनक स्वतार लीनी, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेसठ जनक स्वतार लीनी। हे प्रभु मेरी ये दशा दशानन ने की है, और ये जो दशा है दशानन ने की है, और उसी दुष्ट ने सीता जी का हरण किया है, और ले दक्षिण दिश गए गुसाई। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात अगर आप चाहो तो आपको अमर कर दूं, आप अमर हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो ना कि आप बाद में ये सोचो कि राम के पत्नी की रक्षा करते मेरे प्राण निकल गए, आप चाहो तो मैं आपको अमर कर सकता हूं। जटायु जी कहते हैं, महाराज रख के करूंगा क्या प्राण, अमर होके करूंगा क्या। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई, सो मम लोचन गोचर आगे, राखौ नाथ देह की, किस लिए रखूं मैं। जन्म जन्म मुनि ऋषि मुनि तपस्या करते प्रयास करते कि हम जब मरे उससे पहले हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए, परंतु प्रभु नहीं निकलता,
और मेरे आगे तो वो स्वयं खड़े हैं, फिर मैं क्यों? राम जी कहते हैं तात कर्म निजते गति पाई, आपके अपने कर्मों की वजह से आपको ये सदगति मिली। जो जीव परमार्थी करता, जो परमार्थी है, जिसके मन में परमार्थ करने की इच्छा है, स्वार्थी लोग नहीं, जो अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं वो परमार्थी होते हैं मेरे भाई बहन। जो धर्म और समाज की चिंता करते हैं वो परमार्थी होते हैं, और जो ऐसे परमार्थी होते हैं उन लोगों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं। परमार्थियों के लिए क्या मुश्किल है, सब कुछ सुलभ है, सब कुछ। पिता आप तात मुझे, मेरा निवेदन है आपसे, जहां आप जा रहे हैं वहीं पिताजी मिलेंगे आपको, लेकिन सीता जी का हरण हो गया ये मेरे पिता को मत बताना। सीता हरण हो गया है कहना मत जाके, सीता हरण तासन कहो पितासन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कहे दसानन आए। अगर मैं राम हूं तो वो रावण अपने पूरे कुल के साथ ये पूरा इतिहास बताएगा, पूरी कथा सुनाएगा कि मैंने आपकी पुत्र वधू का हरण कर लिया था, इसलिए आपके पुत्र ने कुल समेत मुझे आपके पास में पहुंचा दिया है। वो दशानन कहेगा, आप मत कहना। और प्रभु श्री राम का दर्शन करते करते जटायु का स्वर्गवास हुआ, दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के धाम के लिए गए, और जटायु की पंख जटान सो झारी, अपनी जटाओं से जटायु की पंखों को मेरे प्रभु झाड़ रहे हैं, और अंतिम संस्कार एक पुत्र की तरह, दशरथ जी का भाग्य में नहीं था लेकिन जटायु के भाग्य में था। मेरे प्रभु आज जटायु का अंतिम संस्कार कर रहे, बोलो राधे राधे। क्या कहोगे, क्या भाग्य रहा होगा उन जटायु जी का जिनका अंतिम संस्कार प्रभु श्री राम कर रहे हैं अपने हाथों से के मेरे प्रभु। यह है परमार्थ का फल। जब आप परमार्थ करते हो तो आपको दुर्लभ से दुर्लभ गति प्राप्त हो जाती है। हम और हमारे बच्चे सिर्फ ऐसे ही करके जिंदगी बसर करते हो तो तुम्हें कोई दो पैसे का भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं। प्रभु श्री राम आगे गए, सबरी माँ के आश्रम में पहुंचे, और वहां पर नवदा भगत कहूं तो ए पाई सावधान सुने हो प्रथम भगत संतन कर संगा दूसरे रते मम कथा प्रसंगा गुरु पद पंकज सेवा तीसरे भगति अमान चौथी भगते मम गुण गन करे कपट तजे गान मंत्र जापे मम तृण विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा मंत्र जाप मम छठ दम सील बेरते बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा सातम मोरी महासम देखा मोते अधिक संत कर लेगा आठम जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देख पर दोसा नवम सरल सब चले तजीना हो मम भरोस ही हरस न देना हो प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरे रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतन कर संगा भगवान श्री राम ने सबरी माँ को नौ भक्ति नवदा भक्ति श्रवण कराई। और एक बात याद रखें, सबरी माँ को अपने गुरुजी के वचनों पर इतना विश्वास था, सबरी माँ के गुरुजी ने कहा था तुम चिंता मत करना, राम को तुम्हें नहीं ढूंढना पड़ेगा, दुनिया राम को ढूंढती है पर राम तुम्हें ढूंढेंगे।
तो मैं नहीं ढूंढना पड़ेगा। और एक बात बताइए, पूरी दुनिया में आप और हम सब सब लोग कहते हैं राम मिल जाए, राम मिल जाए, राम मिल जाए, मिले आज तक राम? जवाब दीजिए, मिले क्या? सब लोग ढूंढ रहे हैं राम मिल जाए, राम मिल जाए, राम मिल जाए, नहीं मिला। क्यों? न तो वेदों पे भरोसा है, न पुराणों पे भरोसा है, न गुरुवाणी पे भरोसा है, न संतों की वाणी पे भरोसा है, तो कैसे मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सवरी को कितना बड़ा भरोसा था, पूरी जवानी इंतजार करते करते निकाल दी, पूरा बुढ़ापा इंतजार करते करते निकाल दिया, और जब राम जी मिले तो कब मिले? मरने से जस्ट पहले, थोड़ा पहले, प्राण निकलने वाले थे उसे जस्ट पहले। लेकिन गुरु के वचन झूठे तो नहीं हुए। सबरी एक बात मानती थी, सबरी माँ का एक विश्वास था, मेरे गुरु के वचन मिथ्या नहीं होंगे। मेरे गुरु जी ने कहा राम आएंगे तो आएंगे, इतना अटूट विश्वास गुरु के चरणों में था। बोलो राधे राधे, जोर से। राम जी कब गए मालूम है? जब सीता जी का हरण हो गया। राम जी कह रहे, पूछ रहे राम जी कहाँ है मेरी सबरी, सब कह रहे राम जी पूछ रहे सबरी माँ कहाँ है, और सारे साधु संत महात्मा, ये वही साधु महात्मा है जो पत्र लेके आए थे स्त्री बन जाए, और राम जी को देख के उनका दुख देख के कह रहे हैं, जब राम जी जैसा योद्धा अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका तो हम जैसे फक्कड़ क्या रक्षा करेंगे। सच यह है कि जब भगवान को प्राप्त करने के लिए जाओ तो कोई फिर बंधन साथ नहीं होना चाहिए। बंधन हो जाएगा तो मोह होगा, मोह होगा तो फिर भगवान से दूरियां हो जाएंगी। जो हम लोग गंदे दृश्य देखते हैं, जो हमारी मेंटेलिटी है वो गंदी हो चुकी, दूषित हो चुकी। ये जो किताब वगैरह आप लोग पढ़ते हैं ना, वो गंदी नहीं होनी चाहिए। और आजकल तो किताब की जरूरत ही नहीं, इंटरनेट जिंदाबाद, बस मोबाइल पे ही सब कुछ उपलब्ध करा देते लोग। ये हंसने का विषय नहीं, ये रोने का विषय है। हमारे घर से धीरे धीरे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, हमारे हाथ में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राम जी ने कहा जो इनको कुदृष्टि से देखता है उनका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। एक और बात बताएं, उससे भी बड़ी बात क्या है? मूड तोय अतिशय अभिमान, तुझे बड़ा अभिमान है, तेरी पत्नी तुझे समझा रही थी, सिखा रही थी ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, पर तू नहीं माना। सबसे बड़ी बुरी चीज क्या है? अभिमान। क्या चीज है? जोर से बोलिए। अभिमान में जीव बड़ों का अपमान करता है, अभिमान में जीव अपने संत महात्मा धर्म को त्याग कर देता है, अभिमान में आकर जीव अपने आगे किसी को देखता नहीं, कुछ समझता नहीं, पर अभिमान ही जड़ बन जाता है उसकी मृत्यु का, वही कारण बन जाता है। भगवान पापियों को भी क्षमा कर देते, भगवान ने उनको सबको क्षमा कर, अभिमानी को भगवान क्षमा नहीं करते, फिर उसे पनिष्ट करते, उसे दंड देते, पर अभिमान बड़ी जल्दी हो जाता है आजकल। बोलो राधे राधे, होता है कि नहीं अभिमान? बोलो, 2-4 लाख रुपए जेब में निकल के मार्केट घूमो, क्या अभिमान? तू जानते कि किससे बात कर रहे, तुझे मालूम है किससे बात कर रहा? फिर अभिमान ही हो जाता है। भगवान ने कहा तुझे बड़ा अभिमान था ना, मूड, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था कि तू वहां युद्ध करने मत जाओ, वहां युद्ध करने जाओगे तुम जानते नहीं हो जो उनको मिल गए हैं, वो तीनों लोगों के नाथ थे, पर तुम माने कहां? तुम नहीं माने। और एक बात बता दे, जैसे भगवान की कथा समझ में ना आए वो समझ लेना मूड ही है, जिसे अपना भला भी समझ में नहीं आता हो वो समझ लेना मूड ही है। जो भगवान की कथा से प्रेम न कर सका हो समझ लेना वो मूड ही है। इसलिए अपनी मूढ़ता का परित्याग करो, चेतना को जागृत करो और भगवान के बन जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे।
बाली भी बोले, महाराज आपसे मेरी चतुराई तो चल नहीं सकती, क्षमा करना अगर अपराध हुए हों, पर आज आपने अपने हाथों से मार दिया, मेरा कल्याण हो गया, मेरा कल्याण हो गया, अब मैं पापी नहीं रहा, आपके हाथ से मरने वाला कौन पापी रहेगा, कल्याण हो गया महाराज। ऐसे ही को समय बाली ने एक काम अच्छा किया, मरने से पहले अपने बेटे का हाथ भगवान के हाथ में सौंप दिया, सुग्रीव के हाथ में नहीं सौंपा, छोटे भाई के हाथ में नहीं सौंपा। और देखिए भगवान का न्याय, सुग्रीव को राजा बनाया और अंगद को युवराज बनाया, नियम है राजा का बेटा ही बने युवराज, लेकिन भगवान का न्याय देखो, सुग्रीव को राजा बना दिया और अंगद का हूं युवराज। जिनका हाथ भगवान के हाथ में होता है वो अनाथ नहीं, वो सनाथ होता है मेरे भाई, वो सनाथ होता है। और मेरे प्रभु से कह दो, मेरे प्रभु आपके बिना मेरा कोई नहीं है, हमारा हाथ पकड़ लो और हमें सनाथ कर दो मेरे मालिक। जब आप हमें सनाथ कर दोगे तो फिर हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं रहेगी, आप हैं तो हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं, कोई चाहत नहीं, बस आप हमें पकड़ लो तो हम सनाथ हो जाए, आप पकड़ लीजिए महाराज। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़े। और जितने भी माँ बाप बैठे यहां पे, मरने से पहले अपने बच्चों का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा जाना, अगर भगवान के हाथ में पकड़ा दिया तो तेरा बच्चा कभी अनाथ नहीं होगा तेरे जाने के बाद भी, और अगर नहीं पकड़ा तो जीते जी अनाथ है, ताई तू जिंदा ही क्यों नहीं सही। माँ बाप एक जन्म के होते हैं और परमात्मा हर जन्म का होता है, इसलिए अपना हाथ पकड़ा दो मेरे प्यारे के हाथ में, मेरे प्रभु के हाथ में। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। प्रभु श्री राम ने 4 महीने तक बैठे, देखो ये राजमद बड़ा बुरा होता है, सुग्रीव को राजपद मिल गया तो सुग्रीव ने मुड़ के नहीं देखा राम जी को, 4 महीने तक राम जी बेचारे पर्वत पे बैठे रहे। राम जी बोले लो कमाल है, ऐसा राजा बना मुड़के ने, पहले तो कह रहा था जान भी दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब तो कुछ भी नहीं कर रहा। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु चिंता मत करिए, पूरी पंपापुर को ही नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, सुग्रीव को आज ही। राम जी बोले इसको और बड़ा, अरे इतना क्रोध थोड़ी करना, हमने उसको अपना कहा है, मित्र कहा है, तो ऐसे थोड़ी मित्र का वध करना है, क्या करना है, भय दिखा ले आओ उतात सका सुग्रीव, थोड़ा भय दिखा के ले आओ। लक्ष्मण जी का क्रोध हुआ है ऐसा सुना, सुग्रीव थर थर कांपने लगा, सुग्रीव ने अपनी स्त्री को आगे कर दिया। हनुमान जी ने कहा रे पापी ऐसा धन में लग गए, वैसे माया बड़ी बुरी चीज है, जितने भी लोग धर्म से पृथक हुए वो माया के चक्कर में हुए, जितने भी लोग माया से राम से दूर हुए वो माया के चक्कर में हुए। सुग्रीव को देख लो राम जी के मित्र हैं, 4 महीने तक राम की सुध नहीं ली, ये भी नहीं पूछा हाउ आर यू, बैठे आराम से राज में चकाचक। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें राजमद भी नहीं सता सकता, बस वो प्रभु के प्रेमी होते हैं, वो दौड़े चले आते हैं, वो प्रभु के बन जाते हैं, उन्हें और किसी से कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं। सुग्रीव ने संदेश भेजा बानरों को, सब बानर दौड़ पड़े, बानर गए चारों दिशाओं में, हनुमान जी को राम जी ने मुद्रिका दी, मुझे पता है कि ये काम तुम ही करोगे, इसलिए तुम चले जाओ उधर और जाके सीता को ये मुद्रिका दे देना, तो सीता पहचान जाएगी तुमको मैंने भेजा है, बहुत उपक्रम है। लेकिन सुंदरकांड में हम और आप सभी प्रवेश करेंगे, सुंदरकांड में, सुंदरकांड की कुछ मानस की चौपाइयों को गुनगुनाते हुए हम और आप सभी आगे बढ़ेंगे। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। हनुमान जी बैठे हुए हैं मां, हनुमान जी वहां बैठे हुए हैं, कोई कह रहा है सागर के उस पार कौन जा सकता है, कोई कह रहा मैं इतना जा सकता हूं, कोई कह रहा मैं इतना जा सकता हूं, कोई कह रहा मैं इतना जा सकता हूं,
अंगद का ये जाऊं मैं पारा, मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौटूंगा कि नहीं कोई पता नहीं। क्यों? बोले दो रीजन है। पहली बात तो रावण की पत्नी मेरी मौसी है, मंदोदरी मेरी मौसी है, और दूसरा रावण का बेटा अक्षय कुमार और मैं एक ही विद्यालय में पढ़े हैं, तो हम उसे बहुत पीटते थे। उसने जाके एक दिन गुरुजी से शिकायत कर दी कि हमको बहुत पीटता है। तो गुरुजी ने क्रोध में आके साफ दे दिया, जिस दिन अक्षय कुमार गुस्से में तुमको क्रोध से मुष्टिका मार देगा तुम्हारे प्राण उसी समय चले जाएंगे, उसी समय तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। तो भाई लौट के आएंगे कि नहीं कोई पता नहीं। हनुमान जी जामा जी ने कहा नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे, आप तो युवराज हैं, आपको कैसे भेज सकते हैं हम। तो फिर कौन जाएगा? याद आया हनुमान जी का चुप साध रहे बलवाना, आप किस लिए शांत बैठे हो? अब विलंब मत करिए, आप अपने बल को पहचानिए। राम काज लग तुए अवतारा, आपका तो अवतार ही राम के कार्य के लिए हुआ है। और याद रखिए जब हनुमान जी को ऐसा सुनाया गया तो सुनते ही भयऊ पर्वताकारा, पर्वताकार हो गए महाराज उसी समय। फिर हनुमान जी को जामवंत जी ने सिखा दिया, और जामवंत जी के यहां से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। जामवंत के बचन सुहाए, हनुमंत हृदय लिहाए, तब लगे मोए कर कहो तुम भाई, सहज मूल फल हो। जब लगे आवो सीतै दे, होए है काज मोए हरस विशेष, यह कहे नाए सब कहु माथा, सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, पौतुप भूद चढ़े उतारो वो बार बार रघुवीर समारे, उतर के उपवन तने बलवारी, जी गिर चरण दे हनुमंता, गयो सुगा पाताल तुरंता, जिमे अमोग रघुपति कर बाना, चल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय में नाक होए श्रम भारी, जाओ मंत के वचन सुहाए, हनुमान जी महाराज ने लंबा छलांग मार दिया महाराज, समुद्र पार करने के लिए तैयार हुए। मैना पर्वत आया, बोले थोड़ी देर हम पर विश्राम कर लीजिए, 100 योजन लंबा है, पार होना होगा, थक जाएंगे आप। हनुमान जी की ये बात ध्यान से सुन लीजिए, कितनी प्यारी बात है। राम काज कीने उबिन मोए कहां। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं, बोले महाराज आजकल आप बहुत, आपका शेड्यूल बड़ा टाइट है, यहां आज शुरू कल वहां पूरा परसों फिर वहां शुरू फिर वहां फिर शुरू, बड़ा शेड्यूल टाइट है। याद रखिएगा मेरा अपना सपना नहीं, हम सबका एक सपना है, जिस दिन ठाकुर जी का स्वागत 8 फरवरी को जब तक हो नहीं जाए हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे महाराज। हम हनुमान नहीं है, हम में हनुमान जी जैसे कार्य करने की क्षमता नहीं है, वो तो महाराज भगवान शिव के अंश अवतार हैं, 11 में रुद्र के अवतार हैं, हम कहाँ, हम तो साधारण इंसान हैं। पर यह सच मान लीजिए 8 फरवरी तक अगर मुझे 24 घंटे काम करना पड़ेगा तो करेंगे महाराज, करेंगे हर हालत में करेंगे। पर मैं आपसे भी एक उम्मीद करता हूं, अगर मैं 24 घंटे करने के लिए तैयार हूं तो कम से कम आप 2 घंटे जरूर करिए कार्य, 2 घंटे जरूर करिए। आप सब यही प्रण कर लीजिए, राम काज कीने उबिन मोई कहां विश्राम। जब तक हम भगवान का कार्य कंप्लीट नहीं कर लें तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठेंगे। हम सबको पहुंचना है, हम सबको पहुंचना है, 8 फरवरी वृंदावन पहुंचना है, ठाकुर जी का स्वागत करना है, 25 करोड़ मंत्र का जप हमको 7 फरवरी को करना है कि जब ठाकुर जी आवे तो वो जो प्लेस है वो अपने आप में पावरफुल प्लेस हो जाए महाराज, अपने आप पावरफुल प्लेस। कौन कौन पहुंचने वाला है 7 फरवरी को ही?
क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। कानपुर से मुझे और ज्यादा उम्मीद है महाराज, और बड़ी संख्या में पहुंचना, और बड़ी संख्या में। 7 फरवरी शाम को पहुंच जाइए आप सब, और वहां बैठकर 125 करोड़ भगवान के नाम का जाप करेंगे। अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य होगा, इतना बड़ा कार्य होगा मेरे प्यारे ठाकुर को, उसे पहले आने की इच्छा जागृत हो जाएगी, कसम से। क्या बात, आइए आप सब। और जो आस्था चैनल पे सुन रहे हैं, आज राम कथा पूरी होने जा रही है, कथा सुनकर दक्षिणा देनी चाहिए। आपकी एक ही दक्षिणा है मेरे प्यारे, 8 फरवरी को आप वृंदावन में होने चाहिए, सुबह 8 बजे से पहले, हो सके तो 7 फरवरी को आप पहुंच जाइए। और इतना बड़ा हुजूम उमड़े मेरे कृष्ण प्रेमियों का, इतना बड़ा उमड़े मेरे प्यारे, लोग कह दे भूतोन भविष्यति, ऐसा कह देना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी ना हो, मैं तो कहूंगा ऐसा हर उत्सव होता रहे, लेकिन कम से कम अभी तक ना हुआ हो, ऐसा बड़ा हुजूम आप वहां पर उमड़ा ही महाराज। आप सब आ जाइए, सब आ जाइए, आज की दक्षिणा यही है। अगर कृष्ण से आपने थोड़ा भी अटैचमेंट किया है, आपको वृंदावन आना पड़ेगा, और ठाकुर जी को आई लव यू वृंदावन की भूमि पे बोलना पड़ेगा। महाराज हनुमान जी गए लंका में प्रवेश करने लगे, लंकनी मिल गई, लंकनी मिली, हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रार किया, गोविंदाय नमो नमो, मरने से जैसे तैसे बची। पुनः संवार उठी सो लंका, जोर पान कर बिने सशंका, रावण की लंका की रक्षक लंकनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, स्वर्ग के सारे सुख दुनिया के सारे सुख तराजू के एक पल्ले में रखो, दूसरे में रख लो, सत्संग का सुख तो भी बराबरी नहीं कर सकता, सत्संग सुख ही महान सुख है। ये बात कौन कह रही है? लंकनी। और ये बात हमें समझ में नहीं आती, वो कह रही, राक्षसी को भी समझ में आ गया। फिर हनुमान जी मिले, विभीषण जी से मिले, सीता माँ के पास में पहुंचे, वहाँ रावण पहले पहुंच गया। रावण ने कह दिया, 1 महीने में अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं प्राण हरण कर लूंगा, तुम्हारे प्राण ले लूंगा। सीता माँ प्राण त्याग देना चाहती हैं। यहाँ पर एक भाव है, सीता माँ अपने ही चरणों को क्यों देख रही हैं? अपने ही चरणों की तरफ उनकी दृष्टि क्यों है? कहते हैं जो भगवान श्री राम के चरणों में जो चिन्ह है, वही माँ जानकी के चरणों में भी वही चिन्ह है। बहुत से लोग कहते हैं वो इतनी सुंदर अशोक वाटिका थी, अशोक वाटिका को देखती, अपने ही चरणों में क्यों देखती रही? उन्होंने, सीता माँ ने सोचा, जब मेरी एक बार दृष्टि उस सोने के मृग पे पड़ी तो उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे पति से मेरा वियोग हो गया, अब मैं दृष्टि से माया को नहीं देखूं बल्कि अपने ही चरणों को देख रही है, इसलिए क्योंकि इन चरणों को देखकर भगवान के चरणों की याद आ रही है। जो चिन्ह यहाँ हैं वही चिन्ह वहाँ भी हैं, इसलिए सीता मैया अपने ही चरणों को लगातार देखे जा रही है, अपने चरणों को। कई लोग कहते हैं कि यार सीता मैया ने लंका का अन्न ग्रहण नहीं किया था? नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं किया था। इतने दिन भूखी प्यासी कैसे रह ली? इंद्र रूप बदल के ऐसा प्रसाद उनको दे के आ गए थे जिसे पाने के बाद उन्हें कभी भूख प्यास लगी ही नहीं, ऐसा और एक भाव है। हनुमान जी मिले, हनुमान जी ने मुद्रिका दी, 9 बार माँ कहा है, तब जाके सीता मैया ने 1 बार पुत्र कहा है, विश्वास हो गया। हनुमान जी बोले, हमें भूख लग रही है, राक्षस हैं बहुत बलवान, तिनकर भय माता मोहि नाहि। बोले ठीक है, तो जाओ राम जी के चरणों को अपने चित्त में धरो, मधुर फल खाओ। चले गए, और जब रखवारे रोकने लगे तो हनुमान जी ने चकाचक गदा चलाई, और जैसे ही गदा चलाई वो भागे। महाराज एक बहुत विशाल बानर आया है, मारे डाल रहा है, अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी को लगा इस अक्षय कुमार को तो मारी चलो, जैसे कम से कम अंगद जी का संकट तो टले, तो उसको मार दिए। मेघनाथ को भेजा,
ब्रह्म शक्ति चलाने लगा। ब्रह्म फांस जिसमें हनुमान जी को बांधना चाहता है। अब हनुमान जी सोचने लगे, जो न ब्रह्म सर माने हो तो महिमा मिटे अपार, अब बूढ़े ब्रह्मा जी की बात नहीं मानेंगे तो ठीक नहीं, फिर बंद जाए तभी देखेंगे ना लंका कैसी है, लंका का राजा कैसा। बंद वाक्य गए अपने आप को, रावण के समय पहुंचे, उन्हें बहुत समझाया, वो कहाँ समझने वाला रावण, समझता है कोई? बुरे लोगों की समझ में अच्छे विचार नहीं आते हैं। रावण अपना काम करेगा ही करेगा। रावण ने कहा एक काम करो, इसे मार दो। विभीषण जी आके, विभीषण ने कहा बात ठीक नहीं, नीति विरोध न मारी है दूता, नीति के विरुद्ध है, दूत को मारना नहीं चाहिए। बोले ठीक है, पूछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले बढ़िया बात है, शारदा माँ ने हमारी रक्षा की, ये हमारी पूछ में आग लगाएगा, फिर हम इसकी लंका में आग लगाएंगे। पूछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने पिताजी से पूछा, पिताजी आप तैयार हैं, रेडी, आर यू रेडी? बोले यस, ऑफ कोर्स आई एम। कौन डैडी? पवन देव भाई। इतनी लंबी लंका थी, एक एक घर में आग लगाते तो कितनी देर लग जाती। पवन देव को बुला लिया पिताजी को, किस लिए? बोले हम नेक आद लगाएंगे, आप पूरी में लगा देना। 49 पवन होती हैं, 49 तीव्र गति से चली। हनुमान जी ने नेक लगाई और चले मरुत 49, पूरी लंका जल के लपट झपट लंका सब जारी। महाराज विद इन सेकेंड लंका स्वाहा, और जाके समुद्र में अपनी पूंछ बुझाई, सीता माँ के सामने खड़े हुए। मात मोह दीजे कचुचीना, चूरामणि उतार तब दयो। समुद्र के इस पार आ गए, राम जी को संदेश सुनाया, और राम जी ने जब देखा, पता चला, सुग्रीव से कहा अविलंब की कारण कीजिए, अब विलंब मत करो, चलो लेके सेना को, और चल पड़े सब सेना को लेके। और राम जी की सेना चली तो महाराज कौन बढ़ने के, राम जी की सेना कैसी थी, बड़ी विराट सेना थी महाराज, बड़ी विराट। और सेना में कौन है, कौन है बोलो ना, तुम कौन हो, तुम कौन हो? जिस देश में बानर भी राम के कार्य को करने के लिए अपनी उपस्थिति प्रकट कर देते हो, कल्पना करके देखिए मेरे भाई बहन, उस देश के मानवों का कितना राइट होता है, और उस देश के मानवों को कितना काम करना चाहिए, धर्म के लिए और देश के लिए। राम चाहते तो इंसानों की सेना अयोध्या से बुला सकते थे, नहीं, भरत जी को पत्र भेज देते, बोले एक सेना ले आओ, तो नहीं आती। किसको बना लिया सेना? बानर सेना होती है किसी की इतिहास में इससे पहले हुई है किसी की? राम ही ऐसे दयालु हैं कि वो बानरों को भी सेना बना लेते हैं और जीत प्राप्त करते हैं। उधर रावण को पता चला कि समुद्र के उस पार राम जी आ गए। विभीषण ने समझाने की कोशिश की तो विभीषण को लात मार के निकाल दिया लंका से। हमारे यहां रहता है, उनकी बड़ाई करता, जब उन्हीं के साथ रहो, बड़ाई करता है। अब समुद्र के इस पार आ गए विभीषण जी, बानरों ने पकड़ लिया। कहां से आए हो? लंका से आए, रावण के भाई, नाम विभीषण। सुग्रीव को कहा, सुग्रीव ने कहा पकड़ के रखो, हम आते प्रभु के पास से। प्रभु ने पूछा सुग्रीव से, बताओ तुम्हारा क्या कहना है? बोले जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, भेद हमार लेन सठावा, राखी बांध मोय अस भावा। राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, किस रूप के लिए क्यों आया है, ऐसा तो नहीं भेद लेने आया। भगवान श्री राम बोले कौन सी तोप धरी है जो तेरे बम पर ले जाएगी, ऐसी कौन सी तेरी जानकारी है जा ले जाए वो, मुंह पे धनुष बाण है, लक्ष्मण पे धनुष बाण है, और हनुमान ये सब सेना बाहर ही पड़ी है सागर में किनारे पे, अब इन बानरों में से क्या ले जाएगा कोई। राम जी ने ऐसा कहा, हे सुग्रीव, मैं अपनी शरणागत व्यक्ति को कभी त्यागता नहीं, जो जीव मेरी शरण में आ जाए चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसका परित्याग नहीं करता, इसलिए जाओ उनको सहज प्रेम भाव से मेरे पास लेकर आओ।
श्रवण सुजस सुने आया, हनुमान जी लेने गए हनुमान जी, और हनुमान जी को देख के विभीषण बोले कमाल करते हो प्रभु, आप तो कहते थे मिलवा देंगे, बोले कैसे मिलवा देंगे, यहाँ तो सबने मुझे बांध रखा है, कोई राम जी के पास लेके नहीं जाने दे रहे। हनुमान जी बोले देखो आपने एड्रेस गलत दे दिया, एक्चुअली पता गलत बताया आपने, आपने कहा कि मैं रावण का भाई हूँ, और रावण तो हमारा शत्रु है, उस पर तो सब संदेह करेंगे, आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं रावण का भाई हूँ, अगर आपको कहने का ही मन था तो आपको कहना चाहिए था मैं हनुमान का भाई हूँ, तो फिर आपको कोई नहीं रोकता, आप हनुमान के भाई बनते। आइए अब चलिए, चरणों में प्रणाम किया, राम जी ने कुशल क्षेम पूछी, और राम जी ने कहा समुद्र का जल लेके आओ, मैं इसको राज्य अभिषेक करूंगा, इसे लंका का राजा बनाऊंगा। लंका का राजा, सुग्रीव को टेंशन हो गई युद्ध से पहले लंका का राजा। सुग्रीव बोले प्रभु जी राज्य कर देना, तिलक कर देना, एक बात पूछनी है। बोले पूछो, अभी हमारा युद्ध भी शुरू नहीं हुआ और आप इसे तिलक कर देंगे, कल रावण शरण में आ जाए तो फिर क्या होगा, उसे कहां का राज्य देंगे। राम जी बोले पहली बात तो रावण हमारी शरण में आएगा ही नहीं, और आ भी गया तो कदाचित ऐसा हो जाए कि वो आ जाए तो रावण को लंका का राज्य नहीं मिलेगा, तो बोले उसे मैं अपनी अयोध्या का राज्य दे दूंगा। उसे मैं अपनी अयोध्या का राज्य दे दूंगा। सुग्रीव बोले वो तो आप अपने भैया भरत को दे चुके हैं, अयोध्या का राज तो आप भैया के लिए छोड़ा है, भरत के लिए। बोले तो क्या हुआ, मैं भैया भरत को अपने बैकुंठ का राज्य दे दूंगा, भैया भरत को अपना बैकुंठ का राज्य दे दूंगा। सुग्रीव ने आखिरी प्रश्न किया, जब आप बैकुंठ का राज भैया भरत को दे देंगे तो आप कहां राज्य करेंगे, आप कहां राज्य करेंगे। तब मेरे प्रभु कहते हैं मुझे राज्य करने के लिए कोई राजधानी की जरूरत नहीं, मैं बैकुंठ में क्षीर सागर में और अयोध्या में राज्य नहीं करता, मुझे राज्य करने के लिए तो तुम जैसे भक्तों के हृदय की आवश्यकता पड़ती है, मैं तो हमेशा वहां वास करता हूं, मेरा वास तो आपके हृदय में रहता है, मैं तो वहां राज्य करता हूं, और भगवान के सच्चे भक्तों के जो हृदय हैं भगवान की वही राजधानी है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने समुद्र से पूछा, समुद्र ने प्रकट होकर कहा कि नाथ नील नल कपिदो भाई, वो अगर अपने हाथों से पर्वत तैराएंगे तो समुद्र में पर्वत तैरेंगे। समुद्र पे सेतु बना, भगवान श्री राम वहां पर निर्माण करना चाहते हैं, रामेश्वर बाबा भोलेनाथ की स्थापना करना चाहते हैं। ये प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है जिस प्रसंग को हर एक कोई नहीं सुनाता होगा, या सुना होगा तो आपने बहुत कम, बहुत संत महात्मा कम सुनाते इसे, ध्यान से सुनना। श्री राम ने स्थापना करने का मुझे मन लिया, मन बनाया, तो आचार्य चाहिए स्थापना कराने के लिए, कैसे होगी। विभीषण ने कहा प्रभु अगर आप बुरा न माने तो रावण महाराज यहां पास में ही है, रावण महाराज से ही शिव की स्थापना करानी चाहिए, आचार्य पद रावण महाराज को दे दो। शत्रु का भी सम्मान कैसे करना चाहिए कोई राम जी से सीखे, दुश्मनी अपनी जगह है, सम्मान अपनी जगह है, किसी का सम्मान छीनने की कोशिश मत करो किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में। राम जी ने रावण को आचार्य पद दिया, जामन जी लेने के लिए निमंत्रण देने के लिए गए और वो आचार्य पद श्रवण किया, स्वीकार किया, और जब देखा कि रावण महाराज आ रहे हैं तो राम जी नंगे पैर उनका स्वागत करने के लिए सागर के तट पे पहुंचे।
जब राम जी रावण को लगा कि राम जी मेरा स्वागत करने के लिए आ रहे हैं, तो रावण ने भी विमान थोड़ा दूरी पे उतारा और वहां से नंगे पैर चलकर अपने भगवान का सम्मान किया। प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। रावण कहते हैं, हे दशरथ नंदन, आपका कल्याण हो, ये हम आपको आशीर्वाद देते हैं। आज रावण ब्राह्मण है, आज रावण आचार्यत्व में है। महाराज आचार्य क्या, एक ही काम है, आशीर्वाद देना। राम जी ने कहा, प्रभु आपका स्वागत है। बोले, आप स्थापना करना चाहते हो? बोले हाँ। बोले, बहुत अच्छा लगा कि आप स्थापना करना चाहते हैं, पर एक बात बताइए राम, भगवान शिव की स्थापना करने के लिए, पूजा करने के लिए एक दो स्थिति होना जरूरी है, या तो हमारी शादी नहीं हुई हो, और शादी हुई हो तो पत्नी साथ में हो। शादी अगर हुई है तो पत्नी साथ में होनी चाहिए, और मैं देख रहा हूं कि शादी आपकी हुई है पर पत्नी साथ में नहीं है, कैसे होगा? भगवान श्री राम कहते हैं, हे प्रभु, हमने ऐसा सुना है, जिस वस्तु को जिजमान एकत्रित नहीं कर पाते हैं उस वस्तु को आचार्य लेकर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, आचार्य कह रहे हैं कि पत्नी का होना अनिवार्य है, तो राम जी ने कहा, जो वस्तु जिजमान एकत्रित न कर पाए उस वस्तु को आचार्य लेके आते हैं। सीता जी कहाँ हैं? रावण महाराज बोले, आचार्य लाते तो हैं, मर्यादा का ध्यान रखना, कार्य संपन्न होने पर उस वस्तु को आचार्य अपने साथ ही ले जाते हैं। राम कहते हैं कि राम ने मर्यादा का ही पालन किया। बोले तो ठीक है, लक्ष्मण को भेजो, विमान में सीता बैठी हुई है। ये देखिए रावण और राम की शत्रुता, इसको कहते हैं मेरे प्यारे। सीता जी आई, उन्होंने समुद्र से बालू निकाला और स्थापना किया, पूजन हुआ, स्थापना हुआ, विधि विधान से स्थापना की। अब रावण महाराज कहते हैं, राम, अंतिम स्थिति में अब ये बात है कि आप अपनी मनोकामना आचार्य को बताइए, जिससे आचार्य आपकी मनोकामना को पूर्ण होने का आशीर्वाद दे सके। राम जी कहते हैं, महाराज, राम रावण का युद्ध होने वाला है, रावण शिव जी के परम भक्त हैं, और धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में धर्म की विजय हो अर्थात राम की विजय हो, मैं यही चाहता हूं, इससे शिव जी हमसे नाराज ना हो, क्रोधित ना हो। रावण कहते हैं, हे राम, इस युद्ध में तुम्हारी विजय होगी, ये मेरा आशीर्वाद। इस युद्ध में राम की विजय होगी, आशीर्वाद। राम, एक बात और, जब तक आचार्य को दक्षिणा न दी जाए तब तक यज्ञ संपन्न नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि यह यज्ञ संपन्न हो तो तुम्हें आचार्य को दक्षिणा देनी होगी। बोले, प्रभु, जो आप कहेंगे हम आपको वही दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं। रावण कहते हैं, मुझे वो दक्षिणा नहीं चाहिए जो संसार मांगता है आपसे, मैं आपसे वो दक्षिणा मांगूंगा जो आज तक किसी ने नहीं मांगी होगी। क्या दक्षिणा मांगनी? दक्षिणा है, यह वर मांगो दीन दयाला, कुल समेत मोय बधेऊ कृपाला। हे राम, ये मुझे दक्षिणा दे दो, आप मुझे अकेले को मत मारना, मेरे पूरे कुल को
कुल के सहित एक एक बच्चे का वध आपको अपने हाथों से करना होगा। और आप चिंता मत करना, आप सोच रहे होंगे जो लोग आएंगे नहीं उनको कैसे, एक एक को चुन चुन के मैं आपके पास भेजता जाऊंगा और आप बिना रुके बिना थके अपने हाथों से बाण चला चला कर चुन चुन के उनको मारते जाना और उन्हें अपने धाम की प्राप्ति कराते जाना। यही मुझे ये दक्षिणा में चाहिए। हे राम, जब तक ये तन बचा रहे अभिमान न जाने देना तुम। लोग कहते हैं रावण बहुत अभिमानी है, हे राम ये लोग कहते हैं रावण बहुत घमंडी है, तो इस घमंडी के अभिमान को, इस घमंडी के समाप्त होने तक, अभिमान को समाप्त मत होने देना। हे राम ये वरदान तुम्हारा चाहिए, हमें ये दक्षिणा में चाहिए। क्या? जब तक ये तन बचा रहे अभिमान न जाने देना तुम, अंत में बाणों से मस्तक काट मेरा निज चरणों में रख लेना तुम, अपने चरणों में रख लेना तुम। ये हुई मन की बातें, हम जाने या तुम जाने, ये हुई, दिस इज अ पर्सनल टॉक माय डियर बिटवीन राम एंड रावणा, राइट? एम आई राइट? ये हुई मन की बातें, हम जाने या तुम जाने, माया में घिसे हुए प्राणी ये भेदभाव क्या पहचाने, माया में पड़े हुए प्राणी भेदभाव क्या पहचाने। अच्छा अच्छा है करुणा निधान, संग्राम अब मिलना होगा। अच्छा है करुणा निधान, संग्राम में अब मिलना होगा, वही कहूंगा आकर के जो भी कुछ कहना होगा। जय राम जी की, चलने दीजिए महाराज, युद्ध की तैयारी करनी है। तो राम की विजय तो यही निश्चित हो गई। रावण ने ब्राह्मणत्व का सम्मान किया, जब आचार्यत्व के पद पर राम ने बैठाला तो राम जी को वरदान दिया कि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हो। रावण को पहचानना छोटी बात नहीं है साहब, रावण को पहचानने के लिए हमारे एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा भजन लिखा है, तुम मुझे यूं जला न पाओगे, हैं? तुम मुझे यूं जला न पाओगे। मैंने सीता हरण की हरि के लिए, पता नहीं और भी बहुत अच्छे भाव हैं, पर रावण को आजकल बहुत लोग, अभी रामनवमी आने वाली, विजयदशमी आएगी, देखना बड़े बड़े पापी से पापी व्यक्ति रावण पे बाण चलाएंगे, अग्नि बाण चलाएंगे रावण को जलाने के लिए। मंत्री जी आप मत जलाना कभी, निवेदन है मेरा। रावण को जलाने के लिए राम बनना ही पड़ेगा। अगर आप राम हैं तो रावण को जलाओ, और अगर आप राम नहीं हैं तो प्लीज रावण को मत जलाओ। हाँ, जो रावण की बुराइयां हैं वो जला डालो अपने मन से, वो निकाल के फेंक दो बाहर। मेरा निवेदन है आप सबसे, जो स्वरूप राम बनते हैं वही बाण चलाएं। आप बाण मत चलाइए, कोई भी मत चलाइए। रामलीला होती है, रावण के पुतले फूकते तो राम जी भी तो बनते ही है ना, उन्हीं से रावण का पुतला जलवाओ, तुम मत जलाओ। इतना श्रेष्ठ विचारों वाला रावण, गलतियां किससे नहीं होती। तुम कहते हो सीता जी का हरण किया, वो क्यों किया वो तो वो जाने ना, हम क्या जाने उनके मन में क्या था, तुम्हें कोई पता है क्या? अरे भाई ठीक है ना, लीव इट, छोड़े। युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, और लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, एक प्रसंग है बहुत प्यारा। हनुमान जी जब बूटी लेकर आ रहे थे तो अयोध्या के ऊपर से होके आ रहे थे, भरत जी को लगा कि कोई ऐसा वैसा व्यक्ति न हो, तो उन्होंने बाण चला दिया, गिरा लिया। पता चला कि राम रावण का युद्ध हो रहा है, पता चला कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए। भरत जी रोने लगे, मैं क्यों दुनिया में, मैं क्यों संसार में आया, सही भाई होने का फर्ज तो लक्ष्मण ने अदा किया है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सका, ऊपर से ये दुख दे दिया। कौशल्या
और सुमित्रा भी वहीं थी उस समय। जब ये संदेश सुना तो मेरे भाई बहन कौशल्या और सुमित्रा जी रोने लगे। और जब सुमित्रा जी रोने लगी तो मेरे प्यारे कौशल्या जी ने कहा कि तुम रो रही हो, मैं जान रही हूं तुम इसलिए रो रही हो ना कि लक्ष्मण मूर्छित है, लक्ष्मण को शक्ति लगी है। कौशल्या माँ कहती हैं तुम रो रही हो, सुमित्रा माँ कहती है मैं इसलिए नहीं रो रही कि लक्ष्मण मूर्छित हो गया, मैं इसलिए रो रही हूं कि उस युद्ध भूमि में मेरा राम अकेला हो गया, मेरा राम अकेला हो गया उस युद्ध भूमि में, मैं इसलिए रो रही हूं। अब मेरा राम अकेला युद्ध कैसे करे? वो याद आया मुझे, मेरे प्रभु ने, मेरे परमात्मा ने मुझे दो पुत्र इसी दिन के लिए दिए थे। शत्रुघ्न अपने धनुष बाण उठाओ और जाओ कपि के साथ, जाओ हनुमान के साथ, और जैसे तुम्हारे बड़े भाई ने अपने भाई की रक्षा करते करते अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं, अपनी इस माँ के दूध को लज्जित मत करना, वैसे ही अपने प्राणों को भी अपने भाई के ऊपर न्योछावर कर देना, जीते जी मेरे राम के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आनी चाहिए, जाइए, तुम्हें इसीलिए भगवान ने पैदा किया है, जन्म दिया है। कौशल्या कहती है अयोध्या से अब कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा अयोध्या से। हे हनुमान, राम से जाके कौशल्या का एक संदेश कह देना, अयोध्या से तीन लोग गए हैं, राम लक्ष्मण और सीता, 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो तो तीनों को ही लेकर राम वापस आए अयोध्या में, और अगर न आ सके तो ये कौशल्या उसकी माँ का संदेश उसे देना, जैसे लक्ष्मण ने उसके ऊपर अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं, वैसे वो भी अपने भाई के ऊपर अपने प्राण न्योछावर कर दे, अयोध्या में लक्ष्मण के बिना मुंह नहीं दिखाए राम मुझे, जब यहां आए तो लक्ष्मण और जानकी के साथ आए तब राज्य करें, वरना उससे पहले नहीं। हनुमान जी देख रहे हैं इसीलिए ये अयोध्या धन्य है। सुमित्रा को चिंता है राम की और कौशल्या को चिंता है लक्ष्मण की, लखनलाल के। राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। हनुमान जी अभी तक आए नहीं, राम जी विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण को शक्ति लगी है, लक्ष्मण मूर्छित हुए पड़े हैं। श्री राम कहते हैं हे तात, अब अधिक विलंब मत करो, उठ जाओ, क्या तुम नहीं जानते विश्व में धन मिल जाए बहुत और मिल जाए महीपत की ठकुराई, कोष मिले व्यापार मिले धन धान मिले मिल जाए सहाय, परिवार मिले पुत्री मिले सब मिल जाए सेवक मिल जाए बहुत सुखदाई, ये सब वस्तु अति ही सरल पर दुर्लभ एक सहोदर भाई, दुर्लभ एक सहोदर भाई, इस संसार में सगा भाई नहीं मिलता। हे लक्ष्मण, ये सोचकर तुम तुरंत खड़े हो जाओ, तुम्हारे भाई से तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जा रहा। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय बानर सगल, सब प्रभु का प्रलाप किसी से सुना नहीं जा रहा, सब दुखी हुए और तुरंत हनुमान जी वहां पर उपस्थित हुए, और हनुमान जी महाराज ने वो औषधि जो लाए थे संजीवनी वैद्य ने, सुसैन वैद्य ने उनको उपचार किया और लक्ष्मण जी खड़े हो गए, और लक्ष्मण जी को खड़ा देखकर बानरी सेना में नया जोश भर गया। बोलो राघवेंद्र सरकार की, लखन लाल की। इस प्रसंग में एक बात और बहुत छोटी सी रह गई जो अभी बता दूं। जब सुसैन वैद्य को हनुमान जी लेकर आए तो सुसैन वैद्य ने राम जी से एक प्रश्न किया, मैं कहां से आया हूं पहले तो यह समझ लो, मैं आया हूं लंका से, आपके शत्रु का वैद्य हूं, आपके शत्रु का वैद्य हूं,
और मेरा मेरे स्वामी की और आपकी लड़ाई हो रही है, और अगर मैं आपके भाई का उपचार करूंगा, अगर मैं आपके भाई का उपचार करूंगा तो इससे मेरे स्वामी को क्षति पहुंचेगी। अब आप बताइए, क्या मैं धर्म के विरुद्ध जाके काम करूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना धर्म छोड़ के तुम्हारे भाई का उपचार करूं? हे राम, मैंने सुना है आप बड़े धर्मात्मा हो। हे राम, मैंने सुना है आप धर्म प्रचारक हो, धर्म रक्षक हो। अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे धर्म की स्थापना या धर्म छोड़ देना चाहिए तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए? श्री राम कहते हैं नहीं, कदाप नहीं, कदाचित नहीं। जिस धर्म पर निज राज गया और पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पर निज राज गया और पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पे भैया भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। ये सब किसके लिए किया हमने? किसके लिए किया? धर्म के लिए। जिस धर्म पर निज राज गया, पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पे भैया भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उसी धर्म पर ये लक्ष्मण, उसी धर्म पे ये लक्ष्मण मर जाए तो मर जाए, आवाज मेरी यही होगी कि धर्म किसी का न जाने पाए। आवाज मेरी यही होगी कि धर्म किसी का न जाने पाए। धर्म के लिए एक भाई की कुर्बानी नहीं, मेरी भी कुर्बानी चाहिए तो देने के लिए तैयार। धर्म नहीं जाना चाहिए किसी का, किसी का धर्म नहीं जाना चाहिए। प्राण बहुत छोटी चीज है, धर्म बहुत बड़ा संदर्भ। मर भाई बहन, वो सुसैन वैद्य गदगद हो गए, धर्मात्मा हो तो राम जैसा। हे महाराज, वैद्य का कोई धर्म नहीं होता, वैद्य का एक ही धर्म होता है, रोगी आ जाए तो उसका उपचार कर दे, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है वैद्य का। ये तो मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। कुंभकर्ण को भेजा भगवान श्री राम ने, कुंभकर्ण का वध किया। मेघनाथ को भेजा लक्ष्मण ने, मेघनाथ का वध किया। अंत में रावण महाराज आ गए युद्ध करने के लिए, और रावण महाराज जब युद्ध करने के लिए आए तो अब स्वयं श्री राम खड़े हुए युद्ध के लिए, और रावण महाराज ने कहा, हे राम सुनो, जिन योद्धाओं को तुमने आज तक मारा है मैं वैसा नहीं हूं, मैं कैसा हूं सुन लो। काल को पाटी से बांध रखा है, पवन देव बुहारू लगाते हैं, अग्निदेव रसोई बनाते हैं, इंद्र चमर ढुराता है, ये समुद्र जो है मेरा नाम सुनते ही खुश हो जाता है, देवता डर के मारे भाग जाते हैं, वो रावण है तुम्हारे सामने राम। साधारण मत समझना, सुन तापस में तिन समनाई, जितने लोग आज तक तुमने जीते हैं मैं उनके समान नहीं हूं, उन जैसा नहीं हूं, मैं उनसे अलग हूं। भगवान श्री राम बोले, कुछ लोग ऐसे होते हैं कटहर की तरह, कुछ होते आम की तरह, कुछ होते गुलाब की तरह। गुलाब की तरह वो लोग होते हैं जिनमें सिर्फ फूल ही फूल होते हैं, मतलब जो कहते ही कहते हैं, करते कुछ नहीं। एक होते हैं कटहर की तरह, जो करते तो हैं पर कहते नहीं हैं, क्योंकि उसमें फल ही फल होता है, फूल नहीं होता। और एक होते हैं आम के पेड़ की तरह, जो कहते भी हैं और करते भी हैं, जिसमें फल भी लगता है और फूल भी लगता है। हे रावण महाराज, आप तो गुलाब के फूल की तरह हैं, आप सिर्फ कहते ही कहते, करते कुछ नहीं। आप चिंता मत करिए, युद्ध करिए, जो होगा सो होगा। अब युद्ध तो बहुत समय तक चला भगवान श्री राम का और रावण का, अब युद्ध तो अवर्णीय है। और देखिए, बाबा शिव भी रावण की तरफ से युद्ध करने पहुंच गए थे, पार्वती जी को बता रहे, हम भी उनके साथ में थे। रावण महाराज राम के विरुद्ध,
अरे बोले हमें युद्ध से क्या लेना देना, हम तो सिर्फ राम जी का दर्शन करने के लिए गए कि जब राम को क्रोध आता है तो राम कैसे दिखते हैं, जब राम धनुष पर बाण चढ़ाते हैं तब वो कैसे दिखते हैं। हम रावण की तरफ से सिर्फ राम का दर्शन करने के लिए युद्ध भूमि में गए। और महाराज दो दो प्रत्युंचा चढ़ती थी, एक धनुष पे प्रत्युंचा और एक प्रभु की आईब्रो की प्रत्युंचा चढ़ती थी, क्या सुंदर लगते थे महाराज। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अंत तो गत्वा खींच सरासन श्रवण लगे छाड़े सर 31। भगवान श्री राम ने 31 बाण उस धनुष पर चढ़ाए और कान तक खींच कर तेज गति से उन बाणों को छोड़ा। 31 बाण किसके लिए? 20 भुजाओं के लिए, 10 सर के लिए और एक नाभि के लिए जिसमें अमृत कुंड है, वहां अग्नि बाण चलाया भगवान ने। और रावण जो है मृत्यु का इंतजार कर रहा है। अब कुछ चीजें रावण की अच्छी हैं, अगर आप कहो तो मैं वो भी बता दूं। बताऊं कि नहीं? राम कथा तो 9 दिन से सुन रहे हो, आज रावण कथा सुन लो। नेक किसी सुनाऊं? राम जी ने कहा लक्ष्मण से, रावण मूर्छित हुए पड़े हैं, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, जाओ लक्ष्मण, रावण महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे राजनीति सीख के आओ। लक्ष्मण गए राजनीति सीखने के लिए, प्रणाम किया, सर की तरफ खड़े हो गए। रावण महाराज नहीं बोले, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो पर ब्राह्मण है, बोले नहीं। लक्ष्मण बोले, महाराज रावण जो है बड़ा घमंडी है, अभी भी उसका अभिमान चूर नहीं हुआ। क्यों? बोले मैंने प्रणाम किया, बोले ही नहीं। बोले कैसे प्रणाम किया? बोले सर की तरफ खड़े होके। बोले तुम कौन हो? क्षत्रिय। रावण कौन है? ब्राह्मण। तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? सर की तरफ खड़े हो गए, शत्रु चाहे जितने भी बड़े रहे हो लेकिन वो ब्राह्मण है। लक्ष्मण जाके प्रणाम करो चरणों की तरफ खड़े होकर। गलती का एहसास हुआ, चरणों की तरफ खड़े हुए प्रणाम किया। रावण महाराज बोले, कहो कैसे पधारे? मार के भी चैन नहीं मिला तुम लोगों को, फिर आ गए? बोले नहीं, मुझे राम जी ने भेजा राजनीति सीखने के लिए। और रावण महाराज, राज तुम्हें करना है कि राम को? गजब है, पहले मारते हो फिर राजनीति सीखते हो, उसके ऊपर भी विचित्र बात, राज कोई और करे नीति तुम सीखो। राम को राज करना है तो राम को लाओ, राम को राजनीति सिखाएंगे। राम जी आए, राम जी भी चरणों की तरफ खड़े हुए, प्रणाम किया। रावण ने कहा, आप राजनीति सीखना चाहते हो पर राम तुमसे बड़ा राजनीतिज्ञ है कौन? बाली को मारना था, सुग्रीव को मित्र बना लिया। मुझे मारना था, विभीषण को मुझे मरने से पहले ही लंका का राजा बना दिया। तुमसे बड़ा राजनीतिज्ञ होगा दुनिया में कोई? तुमसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं। नीति प्रीत परमारथ स्वारत कौन राम सन जान जधारत। राम जैसा राजनीतिज्ञ कोई है ही नहीं, पर फिर भी तुम उससे राजनीति सीखना चाहते हो। मैं राम तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, बताओगे? जितने भी नौजवान हैं ध्यान से सुनना, मन लगा के सुनना। रावण महाराज ने एक बात कही, मुझे एक बात बता दो, इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई कि मेरी? राम मुस्कुरा दिए। रावण बोले, मुझे मालूम है आप नहीं बताओगे, बता देता हूं मैं ही। इस युद्ध में आपकी विजय हुई दुनिया की नजर में, लेकिन मेरी विजय हुई मेरी नजर में। मैं अगर अकेला भजन करता तो मेरा कल्याण हो जाता, तुमसे शत्रुता करके सबको मरवा दिया, पूरा कुल का कल्याण करवा लिया, तो विजय तुम्हारी नहीं, लक्ष्य मुझे प्राप्त हुआ है राम, लक्ष्य मुझे मिला। पर चलो मैं मान लूं कि दुनिया की नजर में तुम्हारी विजय हुई, पर तुम्हारी विजय हुई क्यों? विजय प्राप्त करने के लिए तो कुछ चीजें चाहिए, सेना चाहिए, कोष चाहिए, बल चाहिए, योद्धा चाहिए, वो सब मेरे पास थे, तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारे पास क्या था? बाणरी सेना। तुम राम लक्ष्मण को छोड़ के तुम्हारे पास था ही कौन? मेरे पास कुंभकर्ण, मेघना, जिसने इंद्रजीत रखा, मैं खुद रावण जिसके नाम से सब कांपते हैं, और मेरी सेना अजय सेना जो कोई जीत नहीं सकता,
उसके बावजूद भी हे राम तुम्हारी विजय हो गई और मेरी पराजय क्यों? हे राम, ये राम रावण की युद्ध नहीं थी, ये तो राम रावण के चरित्र का युद्ध था। रावण कौन, राम कौन जो अपने भाई के लिए राज्य छोड़ दे? रावण कौन जो अपने भाई को लंका से निकाल दे, लात मार के निकाल दे? राम कौन जो मेरी बहन को कह दे कि मैं परा स्त्री को माता बहन के सिवा कुछ नहीं समझता? रावण कौन जो दूसरे की स्त्री को हरण करके ले जाए? राम कौन जो बार बार भेजता रहे कि युद्ध ना हो, युद्ध ना हो, युद्ध ना हो? रावण कौन जो बार बार एक ही जिद करे, बिना युद्ध के मैं कुछ नहीं मानने वाला, बिना युद्ध के मैं किसी की बात नहीं मानने वाला? हे राम, राम वही है जो हमेशा सबका भला चाहता है और रावण वही जो सिर्फ अपना भला चाहता है। याद रखना, राम सदा सतवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है। जिनका है चरित्र उज्जवल बस उन्हीं की जीत होती है, जिनका है चरित्र उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। राम का चरित्र जीत गया, रावण का चरित्र हार गया, और उस रावण का चरित्र इतना हारा कि आज भी लोग रावण को जलाते। जितने भी नौजवान बैठे, प्लीज मेंटेन योर करेक्टर। इंग्लिश टीचर सेज करेक्टर इज योर एवरीथिंग, योर करेक्टर इज एवरीथिंग। करेक्टर गॉन, करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। इफ करेक्टर इज गॉन, योर एवरीथिंग इज गॉन। तुम्हारा चरित्र गया, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। बोलो राधे राधे। हे राम, मैंने सोचा था कि मरने से पहले समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूंगा। मैंने सोचा था कि जवान बेटे को बाप, बूढ़े बाप के आगे मरने नहीं दूंगा। मैंने सोचा था अग्नि में से धुआं नहीं निकलने दूंगा। मैंने सोचा था कि स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दूंगा। हे राम, अगर मैं ये चाहता तो कर देता, लेकिन सब टालता गया। क्या? कल करूंगा, परसों करूंगा, शाम को करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, शाम को करूंगा। ऐसे कहते कहते राम मेरे जीवन की शाम हो गई, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सका। और बुरा काम करने के लिए मेरी बहन ने एक सेकंड में कहा और मैं सीता का हरण कर ले गया, और सीता का हरण कर ले गया तो क्या हो गया, क्या हो गया? विनाश हो गया। पर नारी घर लाने से घर का विनाश हो जाता है, हो गया विनाश। इसलिए राम, यहाँ एक राजनीति ये भी है, अच्छे काम देर से नहीं जल्दी कर देने चाहिए, और बुरे काम में कभी जल्दी नहीं देर से करना चाहिए। हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय। बोलो रामचंद्र की। चलत विमान कुलाहल होई, चलत विमान कुलाहल होई, चलत विमान कुलाहल होई, चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई, जय रघुबीर कहे सब कोई, सिंहासनवति उच्च मनोहर, सिंहासन उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। जब विमान चलने लगा तो अयोध्या की दिशा में सभी लोग बोल रहे हैं, जय रघुवीर कहे सब कोई, पर जो लोग सुन रहे हैं और जो यहाँ सुन रहे हैं बता देते हैं, जो भी यात्रा करते हो, यात्रा स्टार्ट करने से पहले 11-12 चौपाई का जाप करें तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट हो भी जाए तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। 11-12 चौपाई का जाप करके निकलें, बोलता हूँ पूरी चौपाई, आप चाहे तो चलत विमान कुलाहल होई, रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। अयोध्या में भगवान श्री राम के आने का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। भरत जी महाराज कह रहे हैं अवधि बीतने वाली है पर प्रभु नहीं आए,
कहीं मुझे भुला तो नहीं दिया। इतने में श्री हनुमान जी महाराज आकर संदेश देते हैं, अब आप अपना शोक त्याग दो, भगवान श्री राम आने ही वाले हैं। अयोध्या तैयार की गई, पूरा अयोध्या, पूरा अवध तैयार कर दिया गया मेरे भाई बहन, पूरा अयोध्या तैयार कर दिया गया। ऐसे जैसे दीपावली मनाई जा रही है, दीपों से पूरी अयोध्या सजा दी गई। जो 14 वर्ष पहले अंधेरा छाया था, आज वो अंधेरा मिटने के कगार पे पहुंच गया मेरे भाई बहन, आज वो अंधेरा मिटने के कगार पे पहुंच गया। भगवान श्री राम आए, दशरथ जी महाराज भी कहते हैं रावण के वध के बाद वो प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आए, परंतु यहाँ पर कौशल्या, केकई, सुमित्रा, श्री वशिष्ठ जी महाराज को श्री राघवेंद्र सरकार प्रणाम करते हैं। प्रभु जाना केकई लजानी, प्रथम तास उग्रह गए भवानी। प्रभु ने देखा केकई थोड़ी सी शर्मा रही है, उन्हें लज्जा है, तो सबसे पहले उन्हीं के घर में मेरे प्रभु गए। उनसे बड़ा दयालु कौन होगा, उनसे बड़ा कृपालु कौन होगा। जानते हैं अगर केकई नहीं होती तो आज इस राम का दर्शन पूरी दुनिया को नहीं होता, जो आज हो रहा है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो सरयू में स्नान किया चारों भाइयों ने, और स्नान करने के बाद राजगद्दी पर, अब विलंब मत करिए, तुरंत तिलक कर दीजिए, कल के ऊपर नहीं छोड़ना है, आज ही कर दीजिए। तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, फिर सब विप्रन आयसु दीना। भगवान श्री राम का प्रथम तिलक मुनि वशिष्ठ जी ने किया, और फिर सभी ब्राह्मण और इत्यादि माताएं उनकी आरती उतारने लगी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आप जहां हैं सभी लोग सर ढकें बैठें, और यहां पर आपको पूरे 9 दिन की रामकथा का लाभ मिल सके ऐसा प्रयास करें। जहां हैं वहीं बैठ जाइए। सभी लोग दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे। रामाय राम भद्राय, रामाय राम भद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय, रघुनाथाय नाथाय, सीताया पतये नमः, सीताया पतये। भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं, धनुष को तोड़कर सभी राजाओं का मान भंग करते हैं, सीता जी के साथ विवाह करते हैं, माता पिता की आज्ञा मानकर वन के लिए चले जाते हैं। 14 वर्ष के लिए वन को जाते हैं, यहाँ पिताजी का स्वर्गवास होता है, भरत मिलन होता है, उसके बाद सीता जी का हरण होता है, सुग्रीव से मिलन होता है, लंका का दहन होता है, फिर प्रभु के हाथों से अनेकों अनेक राक्षस मारे जाते हैं, और उसके बाद सीता जी को साथ में लेकर मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या के लिए वापस आते हैं। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। भगवान श्री राम का ये रामचरितमानस जो हम सबके मनों में स्थित है, उपस्थित है, भगवान श्री राम की कथा हमें क्या सिखाती है? अपने माँ बाप के चरणों की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, किसी भी जीव को धर्म का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए, यज्ञ होम तप व्रत करते रहे, और जब जर उन पे संकट हो तो उनकी सेवा करें, उनकी सहायता करें, उनकी रक्षा करें। धनुष तोड़ने का मतलब है अपना अभिमान हमेशा तोड़ के रखो, तभी तुम्हारा विवाह भक्ति के साथ में होगा। जिसने अभिमान रूपी धनुष नहीं तोड़ा, उसका सीता रूपी भक्ति के साथ विवाह कभी नहीं हो सकता। माँ बाप की बात मानकर राम वन को चले जाते हैं, इसका मतलब है माँ बाप की बात मानकर हर बच्चे को अपनी बुरी से बुरी इच्छा का परित्याग करके या अच्छी से अच्छी इच्छा का दमन करके वहाँ वही करना चाहिए जो माँ बाप कहते हैं। जीवन में कभी कभी दुख के पल भी आते हैं, पर धर्म तब भी नहीं छोड़ा जाता। पिताजी का स्वर्गवास हुआ पर राम नहीं लौटे, सीता जी का हरण हुआ पर राम ने धर्म नहीं छोड़ा, लक्ष्मण को शक्ति लगी पर राम ने फिर भी धर्म को नहीं छोड़ा। हर स्थिति में राम
धर्म के साथ खड़े रहे। भगवान अपने चरित्र से सिखाते हैं, हम और तुम अपने जीवन में कोई माने नहीं रखते, लेकिन धर्म बहुत माने रखता है। जिसके जीवन में धर्म नहीं, वो जीते जी मरे के बराबर है। जीवित सब समान सो प्राणी, जय हरि भगत हृदय नहीं आने। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वो जिंदा नहीं, वो तो मरे के बराबर है। मेरे भाई बहन, रामचरित मानस में कूट कूट के मानवता भरी हुई है। हमेशा राम ने अपने चरित्र से पग पग पे हमारे चरित्र का निर्माण हो सके, हमें कल्याण की प्राप्ति हो सके, वो सब कुछ रामायण में से राम ने अपने चरित्र से सिखाया है। इसके लिए जरूरी है कि हम और आप सभी श्री राम से ये शिक्षा लेते हुए अपने बालकों को संस्कारी बनाएं, अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं। कैसे बनेंगे हमारे बच्चे संस्कारी, उसके लिए क्या करना है? रामायण का पाठ हमारे घर में हो, बच्चों से कहो चाहे दो चौपाई पढ़ो, उसका अर्थ पढ़ो, अर्थ पढ़ के समझो। हर बहन बेटी अगर रामायण पढ़ेगी तो सीता का निरूपण हो जाएगा, और अगर हर बेटा रामायण पढ़ेगा तो उसमें राम और लक्ष्मण का चरित्र जरूर कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगा, गारंटी है मेरे भाई बहन। इस राम कथा को हमने जिस पंक्ति से प्रारंभ किया था, एक बार श्रद्धा से उस पंक्ति को आप सब गाएंगे। ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसी मानस की चौपाई को हमने सारा बनाया 9 दिन, इस चौपाई को, इस मानस की पंक्ति को मैं एक ही प्रार्थना करूंगा, एक भी दिन आपका जीवन में ऐसा ना जाए जिस दिन आपको संतों का संग न मिले। और जब जब संतों का संग मिलेगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका धर्म बढ़ेगा, आपकी समृद्धि बढ़ेगी, आपका संस्कार बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सभी गुनगुनाएंगे, चलो रे वृंदावन, चलो रे वृंदावन, चलो रे वृंदावन, चलो रे वृंदावन, जा आठ फरवरी को देंगे, जा आठ फरवरी को देंगे श्री प्रिया कांत दर्शन, चलो रे वृंदावन, चलो रे वृंदावन। सभी बैठ जाइए, कोई कोई नृत्य नहीं करेगा, सब बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, कोई नृत्य नहीं करेगा, बैठ के ताली बजाइए सभी। चलो रे वृंदावन, चलो रे वृंदावन, चलो रे वृंदावन, चलो रे वृंदावन, शांति दूत की वाणी सुनकर धन्य करें जीवन अपना, दूत की वाणी सुनकर धन करें जीवन अपना, ठाकुर जी के सपने में सहयोग करें अपना अपना, ठाकुर जी के सपने में सहयोग करें अपना अपना, पावन प्यारी ब्रज भूमि को, पावन प्यारी चलो रे वृंदावन, चलो रे वृंदावन, चलो रे वृंदावन। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम 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 सीता राम
राम राम राम हरे राम सभी बैठ जाए माता बहन पांच मिनट और बैठिए तुम्हें सौगंध है तुम्हें तुम्हारे प्यार की बैठिए सब सभी बैठिए और कितना आनंद आ रहा है दोनों हाथ ऊपर उठाइए राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम 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 सीता राम 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 कानपुर वालों से एक दक्षिणा मांगनी है मुझे
प्रॉमिस करिए करेंगे वो काम आप। सबसे बड़ी दक्षिणा आज आप ये प्रॉमिस करिए कि आज के बाद हम अपने शहर को कभी गंदा नहीं करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कितनी अच्छी बात सोची है कि हमारा देश क्लीन होना चाहिए। हम जहां भी जाते हैं एक ही बात सिखाते हैं सबको, क्या आप पूरा शहर का कचरा उठाइए मत, लेकिन अपने आप को समझदार लोगों की तरह ये प्रण जरूर कर लीजिए कि हम अपने द्वारा किसी सड़क पे, मार्केट में, कभी भी कहीं भी कचरा नहीं डालेंगे। कौन कौन ये वचन लेता है आज इस कथा पंडाल में? हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। नदा पार्वती पदे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिन लोगों ने राम कथा पूरी सुनी है व्यासपीठ पे होने के नाते, आप सबके लिए ये शुभ आशीर्वाद। जिस मनोकामना के साथ आपने भगवान श्री राम की कथा श्रवण की हो, भगवान आपके सारे मनोरथों को सफल करे, आपकी हर मनोकामना को पूरी करे, यही व्यासपीठ से आप सबको शुभकामना है, शुभ आशीर्वाद है। राधे राधे। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मा देख मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, सुख सन कादि शेष अरु सारद, वरन पवन सुत तीरथ नीति, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण दश चयो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, मुनि जन धन सर्वस सारंश सभी की, आरती श्री रामायण जी की, गवत संतत शंभु भवानी, अनुगत संभव व्यास आदि कवि जब कहानी, पागव सुंड गुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कलमल हरण विष रस भी की, सुभग सिंगार मुक्त जोवती की, दलन रोग भव मात सब विद तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, रावण लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराष्ट्री की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराष्ट्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 251,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 121,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए।
आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094443 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छटिकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscity.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vsscity.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी।